अच्छा, सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, मुझे एक बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम बोला था कि एंड दिस इज, अभी 1 मिनट है हमारे पास बिफोर वी स्टार्ट ऑन द एक्चुअल टॉपिक. एक्सक्लेमेशन मार्क. आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे. अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? तो इस टॉपिक को हम लोग, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ क्लासेस अलॉट हुई भी है और हम लोग इसके ऊपर कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर इन डेप्थ जा रहे होंगे. कुछ आपके बहुत इंटरेस्टेड मॉड्यूल्स हैं जिसमें से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्लीज आप एसईओ के एस्पेक्ट्स भी शेयर कर लीजिएगा एंड ऑल दैट. तो अगर आप ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जो अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, लेट मी स्टॉप द वीडियो फर्स्ट. या मेजॉरिटी लोग जो अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो बेसिकली ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हैं. अपना उन्होंने एक साइट बनाई हुई है जिसपे कंटेंट आता है उनका एंड ऑल दैट, राइट? मैं बिल्कुल जब इस टॉपिक को स्टार्ट कराऊंगा तो मैं थोड़ा सा दूसरे एरियाज को भी टच करूंगा, ठीक है? जो मेन हमारा अमेजोन से हटके है लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ताकि यू गाइस कैन गेट द जिस्ट ऑफ, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है? सो वैसे तो टू समराइज इट, एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग के किसी और का प्रोडक्ट होता है एंड यू हैव द मार्केटिंग स्किल्स, बस बट आपका प्रोडक्ट नहीं होता, यू हैव द टैलेंट टू स्किल, यू हैव द टैलेंट टू सेल इट आउट इन द मार्केट, सही है, वेदर इट बी सोशल मीडिया वगैरह जो भी. एंड आप जो है बेसिकली उस पे कमीशन्स अर्न करते हो फॉर एवरी प्रोडक्ट सोल्ड. तो हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव है, जो कि सनी भाई ने हाईलाइट भी किया था, इज कि हम लोग अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू 300 to 500, 700 dollars के बीच में कमाए, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात कर लूँ तो $500. अच्छा, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग कितनी आसान है, और इस पे अब अर्न करने का टाइम ऑन एन अप्रोक्सीमेट कितना लग सकता है, ठीक है? कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, ऑन एन एवरेज टाइम टू अर्न कितना हो सकता है, और हम लोग बेसिक्स, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, और उसके कुछ कॉन्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो पहली चीज ये कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट एज सच कुछ भी नहीं चाहिए. हम ऑन एन एवरेज, मैं बिल्कुल रफली एक बात करूं तो एक बंदा जिसके पास 20,000 रुपए हैं वो भी स्टार्ट कर सकता है, एंड दैट इज प्रोबेबली द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. मतलब 10-20 हजार रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, दैट इज इट, ठीक है? अर्न करने का टाइम कितना है? अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो इस मॉडल के ऊपर, इस बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो आपको तकरीबन ऑन एन एवरेज, अगर आप बहुत डेडिकेटेड होके काम कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज 3 months to 5 months आपको लग सकते हैं. यू कुड बी वेरी लकी, और या तो अगर आपने सारे स्ट्रिंग्स सही तरह पुल करे
Amazon affiliate marketing के, एंड आपकी निश सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, आपकी कीवर्ड सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, तो फिर आप 1.5-2 महीने के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हो अर्न करना, ठीक है? सो इट्स नॉट एज इफ के आप बेयर मिनिमम, आप शायद काफी लोगों का यहाँ पे सवाल ये भी हो सकता है कि क्या मैं बेयर मिनिमम $500 ही कमा सकता हूं, मतलब इससे ऊपर का नहीं कर सकता? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, आप चाहे तो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल राइट जो के $10,000 $5,000 $30,000 $1,00,000 भी दुनिया में शायद कोई लोग कमा रहे हो अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू. लेकिन देखें, मैं मासेस की बात कर रहा हूं, जब मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं, मेजॉरिटी लोग आसानी से कितनी जल्दी कितना पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो फिगर जो है बेसिकली फ्लोट्स अराउंड फॉर $300 to $500 to $600 के बीच में, ठीक है? वकास, आई थिंक जिन लोगों को इश्यूज हो रहे हैं वॉइस के, प्लीज वो अपने एंड पे देख लें, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे मसले नहीं आ रहे. प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट मे बी रीसेट योर राउटर और समथिंग, ताकि हम लोग अपना सेशन जो है वो स्मूथली कर सकें. खैर, ओके, सो दैट्स दैट. अच्छा, तो फेमस एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. वैसे तो काफी सारे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स डाउन टू एफिलिएट मार्केटिंग. इसकी कोई ये नहीं बोल सकते कि बस यही 5 या 10 हैं. देयर आर लॉट ऑफ फेमस एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स आउट देयर. एक अगर आप लोग को एक आइडिया लेना है कि कितने हैं, तो वो मैं आप लोग को दिला सकता हूँ. यू कैन विजिट offervault.com, आई थिंक इट्स offervault.com, यस. एंड यहाँ पे आप लोग को अनलिमिटेड एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी. हाउएवर, देयर आर सम डिस्क्लेमर्स दैट आई वुड लाइक टू गिव ओवर हियर, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ नेटवर्क्स देख सकते हैं, ये सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनके मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है? तो देयर इज नो लिमिट बेसिकली, मतलब, और एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स प्रोबेबली खुलते रहेंगे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस वंस राइट नाउ. आई मे हैव मिस्ड फ्यू, बट मुझे पता है इनमें से जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं वो ज्यादातर मशहूर हैं. एक मिनट रुकिएगा आप लोग जरा, मैं जरा चैट. जी, या फ्लेक्स ऑफर्स रकुटिन आर आल्सो वेरी नाइस, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बैक थ्रोट. या जी, सो क्लिक बैंक का काफी लोगों ने सुना होगा प्रोबेबली, यहाँ पे जिजू, मैक्स बाउंटी और बाकी इससे रिलेटेड, जैसे रकुटिन अभी बोला उस्मान ने, फ्लेक्स ऑफर्स है. अब ये सारे जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स है ना, ये हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन इनका एक बस जो इशू मुझे नजर आता है, क्योंकि मैंने इनके ऊपर भी काम करा हुआ है, कि देयर, मैं अभी अमेजोन एसोसिएट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अभी थोड़ी बाकियों के बारे में भी बात कर रहा हूँ. इनके मसले ये हैं कि एक तो अगर जो पाकिस्तान में वो क्लिक बैंक पे रजिस्टर नहीं कर सकते, उसकी फिर कुछ जुगाड़ है जिसपे आप अपने किसी कजन या दोस्त वगैरह से बाहर बोलो कि यार आई नीड एक्सेस टू क्लिक बैंक और हम लोग काम कर सकते हैं मिलकर, इन दिस एंड दैट. और फिर जिस तरह हम लोग पेपैल बनाते हैं, जाहिर सी पता है हर चीज की कोई ना कोई जुगाड़ निकल आती है कि बंदा काम कर पाए, तो इसकी भी है. लेकिन मैं इनको या हम लोग इनको क्यों नहीं डिस्कस करें, बिकॉज इनकी मेजॉरिटी ऑफर्स जो होती हैं, सही, वो बेसिकली बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती हैं, बहुत ज्यादा. व्हेन आई से एग्रेसिव, इनकी इनको प्रमोट, इनकी मेजॉरिटी ऑफर्स कुछ ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अनएथिकल हो, एथिकल भी होती हैं, लेकिन उनको बेसिकली प्रमोट करने के लिए जो तरीके हैं वो इतने एग्रेसिव हैं कि फेसबुक और गूगल एड्स और डिफरेंट एड्स प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो इनको अलाउ नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म के, आप इनको हमारे प्लेटफॉर्म के आके प्रमोट करें.
तो इसके लिए कुछ आपको बेसिकली ब्लैक हैट टेक्निक्स वगैरह जो है ना इम्प्लीमेंट करनी होती हैं. तो वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. Amazon Associates, also known as Amazon Affiliate Marketing, is pretty basic, ethical, और हर प्लेटफॉर्म पे अलाउ करते हैं. ठीक है. अलबत्ता इसके भी कुछ आउटलाइंस हैं जो Amazon ने खुद दिए हुए हैं, वो हम लोग विद टाइम डिस्कस करते रहेंगे. जैसे कि Google Ads वगैरह के ऊपर आप प्रमोट इसकी डायरेक्ट एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट नहीं कर सकते, और इस तरह की कुछ चीजें वो मैं आप लोग को विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इस नॉट रिगार्डिंग दिस स्लाइड, बट हम लोग एग्जैक्टली क्या हमारा पाथ होगा, हम लोग किस तरह लेके चल रहे होंगे इसको. सो इस सेशन में हम लोग जो है Amazon के बारे में बात करेंगे, इस पूरे मॉडल के बारे में कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरह लोग अर्न कर सकते हैं, ऑल दैट, आपको कैसे रजिस्टर करना है और आपके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग. ठीक है. फिर उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट चार सेशंस हैं उनके भी एक थोड़े से मैं आइडिया आप लोग को बता देता हूं. हम लोग निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात कर रहे होंगे. फिर हमारे एक और सेशन होगा जिसपे हम लोग फाइंडिंग जीरो कंपटीशन, पूरा आर्किटेक्चर वेबसाइट का किस तरह होना चाहिए सो दैट आप बेसिकली ये जो मॉडल है ना, आप इस पे वेबसाइट के थ्रू अर्न करना स्टार्ट करते हो. मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ वेबसाइट की, ताकि आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाए. ठीक है. लेट्स सपोज मैंने गूगल पे सर्च करा बेस्ट गेमिंग माउस. एक्सक्यूज मी. रुकिएगा जरा, मुझे एक अच्छा सा लिंक निकाल लेते. जी आयशा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोग के साथ जो स्लाइड शेयर करूंगा ना, उसमें मैं एक स्लाइड ऐड कर दूंगा फॉर द आउटलाइन फॉर द होल कोर्स, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम लोग हर सेशन में किस बारे में बात कर रहे होंगे. ठीक है. आई एम सॉरी मैं इस ये स्लाइड नहीं ऐड कर पाया, लेकिन मेरे पास ये पूरा लिखा हुआ है. सो व्हाट आई विल डू इज कि ये मैं एक स्लाइड बस ऐड कर दूंगा जब बिफोर हैंडिंग यू गाइस द होल प्रेजेंटेशन. तो अब मैं इस एक आर्टिकल के बारे में बात करता हूं. जस्ट नाउ एज्यूम, आप लोग थोड़ा सा बस दिमाग में पिक्चर करें कि ये वेबसाइट आपकी है. ठीक है. अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं बेच रहे, बहुत सटल तरीके से आप बेसिकली रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर जो है आर्टिकल्स लिख रहे हो, एंड यू जस्ट वॉन्ट गो ऑल इन. मतलब आप ये नहीं स्टार्ट करोगे कि आप हर टॉपिक के बारे में बात स्टार्ट कर दो, आप एक निश सेलेक्ट करोगे पहले. जैसे कि इसने एक निश सेलेक्ट करी हुई है. ठीक है. बेस्ट गेमिंग माउस. अब गेमिंग माउस 10-10 हजार, 20-20 हजार, 15-15 हजार, 7-7 हजार रुपए के होते हैं. अब ये आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो पहले इसने थोड़ा से उस जनरली गेमिंग माइस के ऊपर में के ऊपर बात करी है. फिर उसके बाद टॉप रेटेड गेमिंग माइस के जो कंपेरिजन है, प्राइस चार्ट है पूरा, उसके बारे में दे दिया. कौन सा उसका वेट क्या है हर माउस का, जो टॉप 10 चल रहे माउस, सेंसर कैसा है, कितना अच्छा है, कितने बटन्स हैं हर माउस के ऊपर. ठीक है. फिर हर जो जितने भी माउस यहाँ पे एनलिस्ट हुए हुए ना, ठीक है, हर माउस के बारे में इंडिविजुअली बात करी हुई उसने. जैसे कि मैं आपको इनके बारे में डिटेल्स दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ कि माउस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या नहीं है. अब ये पूरा आर्टिकल बेस्ट गेमिंग माइस, टॉप 10 बेस्ट गेमिंग माइस के ऊपर बना हुआ है. ठीक है. ये जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं आपको दिखा रहा हूं, जो शुरू में जो चार्ट दिखाया ना उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. अब होता क्या है, यहां पे एक लिंक है, ये आप देख रहे हैं स्टील सीरीज राइवल 700, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे यही वाला माइस है, स्टील सीरीज राइवल 700. तो इसके ऊपर इसने एक पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है. अब यहां पर मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो आप ये ऊपर लिंक देखिएगा, ये एफिलिएट लिंक होता है. वेट करिएगा जरा, मैं फिर से एक बार खोल दूं. सॉरी, एक्चुअली मैं, लेट मी डू दिस अगेन. ये एफिलिएट लिंक है. अगर आप इससे कुछ भी खरीदते हो ना, तो आपको एक परसेंटेज अमाउंट मिलेगी, एंड दैट परसेंटेज वेरीज बिटवीन
वन से लेके 10% के बीच में। अब वो कहाँ वेरी करेगी, ये अमेजोन का अपना चार्ट है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या कोई डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिवाइसेस हैं, तो मे बी उसकी 2.5 से 3% के बीच में होगी जो भी टोटल इसकी प्राइस होगी, उसका 2.5 से 3% आपको मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी परसेंटेज डिफरेंट है, इट वेरीज फ्रॉम वर्टिकल टू वर्टिकल। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन ऑल, दिस इज हाउ यू सपोज टू गो अबाउट प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, एंड यू कैन पिक एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, बट वॉट यू हैव टू मेक श्योर ओवर हेयर इज कि यू हैव टू स्टे निश स्पेसिफिक। ठीक है, अब निश सिलेक्शन और इन सारी चीजों के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, अभी फिलहाल आई जस्ट कंटिन्यू बिकॉज मुझे बेसिकली आप लोग को एक आइडिया जरूर देना था कि ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है, ये एफिलिएट लिंक आपका होगा, इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे कुछ आपने खरीदा तो आपका जो है एफिलिएट जो एक्सक्यूज मी मुझे पास एक मैसेज आया है ईसी से, मुझे जस्ट लेट मी चेक दैट। ओके, सो जो भी उसका एफिलिएट परसेंटेज होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, कि आपको जो पैसा मिलेगा वो किस तरह मिलेगा, मतलब मैट्रिक क्या होगा उसका, ट्रैफिक बेस्ड होगा तो दैट्स नोन एज पे पर विजिटर। सही है, पर विजिटर आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। आज से 2016-2017 में मैंने एक वेबसाइट एक पेज बनाया था फेसबुक का। ठीक है, सो उस पेज पे मैं कोई भी लिंक शेयर करता था तो फॉर एवरी जस्ट लेट मी शो यू क्विकली, जी सो जैसे ये पेज है, ये मैंने कोई 2016 या 2017 में पेज बनाया था। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू अ गेम, मेरे अपने पैशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये मैंने पेज बेसिकली dexerto.com एक वेबसाइट है जो कि गेमिंग के ऊपर ब्लॉग्स लिखती है। ठीक है, उनको बेच दिया था मैंने। ठीक है, तो मैं इस पे ना इनके आर्टिकल शेयर करता था, तो जिस वक्त बेचा नहीं था तो फॉर एवरी आर्टिकल शेयर्ड उसके पैसे नहीं मिलते थे, फॉर एवरी पर्सन दैट विजिटेड देयर वेबसाइट थ्रू माय पेज हर विजिटर के ये मुझे $0.04 देते थे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये इनका एफिलिएट प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोग को एक आइडिया दे देता हूं मेरी अर्निंग इस पूरे अरसे में ऑन एन एवरेज कितनी रही है। जी, तो तकरीबन एक साल में हम लोग ने इसके ऊपर तकरीबन $36,000 बनाए ट्रैफिक बेच के। ये पर डे अर्निंग्स आप देख रहे हैं जो मेरे आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ रही है ना, 2017 मई में ऑन 13th मई 2017 को $122 बनाए, फिर उसके अगले दिन 117, उसके अगले दिन 160, उसके अगले दिन 140, उसके अगले दिन $100। ये डेली अर्निंग्स हैं, ये मंथली अर्निंग्स नहीं है। और 10 महीने या 8 महीने हमने इस प्लेटफॉर्म पे काम करा, हमने ऑन एन एवरेज $36,000 बनाए। ये हमने करा क्या, हमने एक पेज बनाया, उस पेज पे हमने उस पेज से रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट मीम्स वाइंस वगैरह शेयर करना स्टार्ट करा। जब इस पेज की जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 2 लाख, एक्चुअली हम लोग शुरू से ही जो है ना हमारी पार्टनरशिप हो गई थी, तो हम लोग यहां से जो है ना आर्टिकल्स लेते थे और वो हम लोग अपने पेज पे शेयर करते थे और फिर वो एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट होता था। उसके बाद बहरहाल एक साल के बाद जब हमें फील हुआ कि हम लोग ने अर्न करना बंद कर दिया है, तो हमने ये पेज तकरीबन $8,000 में बेच दिया। ठीक है, दिस इज बेसिकली पे पर क्लिक मॉडल जो अभी मैं आप लोग को बता रहा था। ठीक है, ये होता है पे पर विजिटर या पे पर क्लिक। ठीक है, फिर कॉस्ट पर सेल होता है। जो Amazon affiliate marketing है ना, वो होता है cost per sale या cost per acquisition model। ठीक है, cost per sale पे क्या होता है,
ये एफिलिएट पर सेल आप ये बोलें क्योंकि आप लोगों को ज्यादा सही तरीके से वहां पे समझ आएगा. फॉर एवरी प्रोडक्ट सोल्ड आपको एक परसेंटेज अमाउंट मिलेगी उसकी, ठीक है. अब मैंने आप लोगों को बताया कि अमेजोन पे आपको मैक्सिमम जो मैंने आज तक देखा है वो मिलते 10%, वो भी निश टू निश डिपेंड करता है, ठीक है. क्लिकबैंक वगैरह में, क्लिकबैंक, मैक्स बाउंटी और ये बाकी जो है, इन पे आपको लेट्स सपोज प्रोडक्ट है $100 का, आपको एफिलिएट कमीशन मिलेगा $80, $50, $30. अब आप ये सोच रहे हो इट मेक्स नो सेंस कि अगर प्रोडक्ट अच्छा कुछ में तो अगर $100 का तो $100 भी मिलते हैं, ऐसे भी कुछ होते हैं, तो आप ये बोलेंगे डजंट मेक एनी सेंस कि अगर $100 का प्रोडक्ट है तो मुझे $80 क्या मिल रहे हैं. मतलब जो मुझे बेसिकली प्रोडक्ट्स दे रहा है मार्केट करने के लिए वो $20 पे किस तरह खुश है. वो इस तरह खुश है क्योंकि यूजली जो प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग को जो चंक मिल रहा होता है, $100 का प्रोडक्ट था, $80 हमें मिल गया या $50 मिल गए. जो कस्टमर होता है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Amazon, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन करता है. जैसे कि यूके में होता है कि ब्रिटिश टेलीकॉम है तो आप एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे फॉर हुकिंग अप विद देम कि भाई आप एक साल तक उनकी सर्विसेज के लिए बाइंड हो गए हो और आप मंथ ऑन मंथ उनको पे करते रहोगे, और अगर आप रिवोक करते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको कोई पेनल्टी शायद पे करनी पड़ती है. सिमिलरली इट गोज ओवर हेयर एज वेल. यहाँ पे हम जब इन बाकी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो हम लोग को बहुत हेवी कमीशन मिल रहे होते हैं. अब why not ClickBank and Max Bounty, why Amazon Associates? इसका बहुत बड़ा रीजन है. आप बोलेंगे कि सर why shouldn't we go with ClickBank, Max Bounty, Jizzoo or any other affiliate network? Why Amazon? Amazon तो मुझे सिर्फ 10% दे रहा है. ₹10,000 का एक प्रोडक्ट है या $100 का एक प्रोडक्ट है, उसका सिर्फ मुझे जो है 10% मिल रहा है, which is like nothing, right? तो इसका रीजन ये है, usually जब आप इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने जाओगे, जैसे मैक्स बाउंटी का मेरे पास बेसिकली, एक सेकेंड रुकिएगा, ये मैक्स बाउंटी है. तो आप जैसे यहां पे देख सकते हैं कि पर लीड $95 मिल रहे हैं, पर लीड $20 मिल रहे हैं, सही है. इस तरह करके यहां पे है सब कुछ, $20 सो एंड सो फोर्थ, सही है. तो ये बेसिकली आप इन पे इसलिए नहीं जा रहे होते हो क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को कोई जानता नहीं है, इनकी कोई से नहीं है, राइट. इनका जो कन्वर्जन रेट होता है, आप ब्लॉग को कितना ही अच्छा और प्रॉमिसिंग बना लो, कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दो, इनका कन्वर्जन रेट जो होता है इट इज वेरी वेरी लो. इट्स लेस देन 1% यूजली. आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे शायद कोई चीता बैठा हुआ हो जो इन मॉडल्स के ऊपर काम कर चुका हो, वो बोले कि नहीं मैं तो इसको जो है ना अप टू 2% तक ला चुका हूं. मैं देन अगेन मैं मेजोरिटी में और मासेस में बात कर रहा हूँ. मेजोरिटी लोग जो इन कैटेगरीज में या इस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं वो इतने आराम से सेल नहीं कर पाते, एंड ड्यू टू विच वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार बन जाते हैं और फिर वो क्विट कर देते हैं इस तरह की एफिलिएट मॉडल को. Amazon एफिलिएट जो है उसकी या एसोसिएट्स, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कन्वर्जन रेट जो है 5-10% तक भी जाती है. 10% एक्सेप्शनल है, चले मैं मेजोरिटी में बात कर लेता हूं, 2.5-5% के बीच में फ्लक्चुएट आराम से कर सकती है. योर वेबसाइट मतलब फॉर एवरी 100 विजिटर्स, सही है, 2.5% से 5% लोग कन्वर्ट कर जाएंगे. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट Amazon. और यहाँ पे इतनी आप लोग माशाल्लाह ईसी में बैठे हुए हो, Amazon की नॉलेज ले रहे हो, मेरे ख्याल से आई डोंट इवन हैव टू, Amazon स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, राइट. तो कस्टमर रिलक्टेंट फील नहीं करता कोई भी प्रोडक्ट जब जहां पे Amazon का आता है, उसको पता होता है कि रिटर्न्स और इससे रिलेटेड तो मुझे कोई हैसल फील होनी नहीं वाली. बेधड़क इंसान यहाँ पे दिखता है, चेक एंड Amazon. अच्छा आप एक चेक एक चीज देखो, आप जरा जो कॉल टू एक्शन है यहाँ पे, जो CTA है वो इटसेल्फ चेक ऑन Amazon लिखा हुआ है. यहां पे लिख सकता बाय नाउ लिख सकता था, नहीं लिखा इसने, बिकॉज इसको पता है कि चेक ऑन Amazon जब इसने यहां पे लिख दिया, कोई गोरा आके इस पे क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर उसको प्रोडक्ट समझ आ गया है, उसने यहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो वो गोरा बेधड़क इस प्रोडक्ट को खरीद भी लेगा, ठीक.
दिस इज वाई मेजोरिटी नॉट मेजोरिटी बट अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर अमेजॉन एसोसिएट्स ओवर ऑल द अदर एफिलिएट नेटवर्क्स. ठीक है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं बाकियों के ऊपर भी आप लोग को नॉलेज दूंगा, लेकिन अभी बिकॉज लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस वन राइट नाउ. ठीक है, तो अच्छा अब प्री रिक्विजिट्स क्या है? आपको वेबसाइट चाहिए, वो आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो. हम जब आगे जाएंगे, जो प्रोबेबली मेरा नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन जो है वो पूरे वेबसाइट आर्किटेक्चर के ऊपर होगा, उस पर मैं बताऊंगा आप कहाँ से डोमेन लो. अगर आपकी मर्जी आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. ठीक है, डोमेन, अच्छा डोमेन नेम सिलेक्शन तो प्रोबेबली मैं आई विल ट्राई कि मैं आज उसको कवर करके ख़त्म कर दूँ, लेकिन अगर नहीं भी होता हो पाता तो मैं आप लोग को हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी नहीं मैं मिस करूंगा कि आप लोग वेक फील करो और लॉस्ट फील करो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं अभी क्या करना है. ठीक है, या सो व्हाट इज अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने आपको बारे में प्रोग्राम आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ. सो इट इज फ्री फॉर वेबसाइट ओनर्स एंड ब्लॉगर्स टू बिकम अमेजॉन एसोसिएट्स. They advertise products from Amazon.com on their website by creating links. When customers click the links and buy products from Amazon, they earn referral fee. ठीक है? Please, मैं ये links आप लोगों को दे रहा हूँ chat पे. आप लोगों को ऐसी बात है, ये presentation तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ में मैं ये links भी आप लोगों को provide कर रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ में ये चीजें भी देखते जाएं. Everyone. ठीक है, अच्छा अब ये जो लिंक है जो मैं अभी ओपन कर रहा हूं, यहां से आप अमेजोन के ऊपर साइन अप करते हो. अभी मैं बोलूंगा मत साइन अप करो, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा. साइन अप करने का एक सही टाइम होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन पहले हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा कि हम लोग ब्लॉग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे आप इवेंचुअली कभी भी, इट्स ओपन फॉर यू. सही है, इट्स एज इजी टू साइन अप जैसे आप जीमेल पे कर रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो. ठीक है, इस पे साइन अप करना इशू नहीं है. असल इशू जो है या प्रॉब्लम जो, जहां प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, जहां पे जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट एक बनाए और उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करें फॉर कन्वर्जन. ठीक है, एंड एक्सक्यूज मी, अब बात आते हैं रेफरल फी स्ट्रक्चर के ऊपर. रेफरल फी स्ट्रक्चर क्या है? आप बोलते हैं कि यहाँ पे शायद कोई हो सकता है जो ब्यूटी निश में काम करना चाहे, यहाँ पे कोई हो सकता है जो पेट्स की निश में काम करना चाहे, यहाँ पे कोई हो सकता है जो गेमिंग निश में काम करना चाहे. उस सबके ये सवाल होंगे कि मुझे ये जानना है कि मैं जिस भी निश में काम कर रहा हूँ मुझे क्या परसेंटेज मिलेगी फॉर एवरी प्रोडक्ट सोल्ड. ठीक है, उसके लिए ये मैं एक और लिंक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. ठीक है, इस पे आप क्लिक कर ले. ठीक है, ये जो लिंक है ये आपको ये बताता है आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको कितना पैसा मिल रहा होगा. जी मैं हाउ टू फाइंड अ गुड निश, इन सारी चीजों के ऊपर मैं आ रहा हूंगा, कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा. आप लोग के कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा दिमाग का सवाल नहीं है जो मैं मिस करूं. ठीक है, तो आई विल बी देयर इवेंचुअली. तो यहां पे आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स लग्जरी ब्यूटी या अमेजॉन कॉइन्स हैं उसके लिए आपको 10% मिलेगा रिटर्न रेफरल फी. एक्सक्यूज मी, फर्नीचर, होम, होम इंप्रूवमेंट, लॉन एंड गार्डन, पेट्स प्रोडक्ट्स, पेंट्री, गुड वंस हैं, इसमें आपको मिलेंगे 8%. हेडफोन्स, ब्यूटी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में आपको 5.5%, 5%, 4.5%. तो अभी जो मैंने आपको साइट बताई गेमिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक्सक्यूज मी सॉरी आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट, इसमें आपको 2.5% मिल रहा है. मैं फिर आप लोग को एक बात समझाना चाहूंगा कि इन 2.5% की फिगर के ऊपर मत जाइएगा. मतलब आप ऊपर कोई और वर्ड निश सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप 10, 4%, 2.5% की उस पे मत जाइएगा.
ठीक है, आप जाइए अपने दिमाग से सोचिए कि अमेज़न का नाम कितना बड़ा है। अगर मैं किसी भी कैटेगरी में जाता हूं तो अमेज़न का नाम ही काफी है। मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड आई शुड बी पैशनेट इनफ अबाउट द प्रोडक्ट और माय निश। मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कि जब मैं वो दूं लोगों को, रीडर्स को, तो दे फील इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट इट एंड देन आई शुड बी एबल टू कन्वर्ट देम इवेंचुअली। ठीक है, ये आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए। आई एम गोना ड्रिंक वाटर राइट नाउ। जी ठीक है, ये हो गया। तो मैं आप लोग से बोलूंगा कोई जल्दी नहीं है रेफरल फ्री स्ट्रक्चर में से कैटेगरी उठाने की। आप लोग आराम से टेक डे टू मे बी थ्री जस्ट बिफोर आर नेक्स्ट सेशन जो कि नेक्स्ट वीक हो रहा होगा, आई गेस सेम डे। आप लोग जो है ना दिमाग आप लोग ना अपने दिमाग में कैटेगरी जरूर सेलेक्ट कर लें। ठीक है प्लीज। अब आगे आ जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन अमेज़न प्रोडक्ट लिंक? ही बाइज द प्रोडक्ट व्हेन यू रिसीव अ कमीशन। ही डजंट बाय द प्रोडक्ट बट ही बाइज, बेसिकली गोज अवे, स्ट्रेज अवे फ्रॉम योर प्रोडक्ट और वो दूसरे डिफरेंट लिंक्स को, लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, इनिशियल लिंक था ये, यहां पे नहीं जाता और ये देखता है इसको और बोलता है नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रोडक्ट, और वो नीचे जाता है कहीं पे, ठीक है, और वो नीचे जाके वो बोलता है यार पता है क्या, आई एम जस्ट गोना बाय समथिंग एल्स मे बी, अरे हाँ ये और कैटेगरीज आ गई हैं और ये प्रोडक्ट कितना सस्ता है, गेमिंग माइस भी लग रहा है, अच्छा चलो ठीक है आई जस्ट बाय दिस देन, और वो इस पर क्लिक करता है और वो इसको जाके बाय कर लेता है। You will still receive the affiliate commission for this particular product. Don't think कि मुझे पिछले वाले product का affiliate commission मिलेगा, इसका मिलेगा फिर, लेकिन मिलेगा, because Amazon आपकी customer journey को track कर रहा होता है from end to end and आपका referral link जो है वो एकदम बर्बाद नहीं हो जाएगा, ठीक है? Excuse me. So how to become Amazon affiliate? Create a website or a blog, visit the Amazon Associates homepage, build your Amazon Associates profile and create Amazon affiliate link. That is all you need. Yahan pe maine basically end to end pura process diya hai how you're supposed to sign up. just press one if you want me to go through it. Zara main tezi se chala jaunga thoda apni speed badha ke, lekin if you don't want me to go through it then I'll just skip it. बट इसमें कुछ एरिया है जो यू गाइस वुड वॉन्ट मी टू कवर। ओके सो इट्स मेजोरिटी वन, सो आई विल स्टिक टू दिस। ओके ठीक है, हो गया। अच्छा सो यू सपोज टू विजिट अमेज़न एसोसिएट्स होम पेज और फिर आप बस ज्वाइन नाउ फॉर फ्री यहां पे इधर क्लिक कर देंगे जो अभी मैंने आप लोग को अभी लिंक दिया और वो सेम लिंक है, सेम पेज दिख रहा है, लुक एंड फील सेम है उसका, ठीक है। Build your Amazon Associates profile. Once you've signed in into your Amazon account, click New Customer and begin building your Associates account. ठीक है, enter your information. कुछ भी नहीं है, बहुत basic information है ये सब। आप लोग personal information डालोगे। अच्छा मैं एक चीज और करूंगा, unfortunately पता नहीं क्यों ये बहुत pixelated images आई हैं, जबकि मैंने इनको सारी live images के ऊपर इसको cut करा था। What I'll do is after this session मैं इसकी high definition सारे वो डाल दूंगा, जबकि मेरे पास अभी भी इसके लिंक्स पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल क्लियर हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों पिक्सेलेटेड आ रहा है। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इसको एक्चुअल इसकी इमेजेस डाल दूंगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट गोना आंसर टू एनी क्वेश्चंस राइट नाउ प्लीज। मैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा वो मैं सेशन के एंड में दूंगा। ठीक है, एंटर योर वेबसाइट एड्रेस। सेकेंड स्टेप में जो है ना आपको वेबसाइट एड्रेस अपना डालना होगा, वेबसाइट एड्रेस जस्ट बिकॉज सो दैट अमेज़न कैन हैव अ लुक एट योर वेबसाइट, दे विल गो थ्रू इट, वेरीफाई इट, देखेंगे कि कॉम्प्लायंस इश्यूज तो कोई नहीं है एंड देन दे विल, अगर कोई नहीं हुए तो दे विल जस्ट अलाउ यू ऑन, दे विल टेक यू ऑन बोर्ड। ठीक है,
जो लिंक्स हैं वो आपके सोशल लिंक्स भी हो सकते हैं, यूट्यूब लिंक्स भी हो सकते हैं, और कोई और लिंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी आई जस्ट हैव अ वेरी बैड थ्रोट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बार बार मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जो है आप जो भी लिंक है आपका एक्चुअल, ठीक है, वो आप डालोगे, जो भी होगा आपका लिंक, Amazon will just go through it and approve or disapprove it. ठीक है? मैं, I will stick to how to make a blog around Amazon affiliate. अगर आप करने जा रहे हो, ठीक है? I will stick to that main important aspect. I won't be going through others as of in this whole module or आगे. Future में अगर आप चाहोगे तो आप बता दीजिएगा. Maybe I'll just go through it. Enter preferred store ID. Explain what your website Websites hope to accomplish and sell Amazon topics your links will likely target. सही है. तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, मेन कैटेगरी करोगे. मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद यहाँ पे समझ ना आ रहा हो क्या नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको खुद बता देता हूँ ये है कि किस बारे में. आप अपनी मेन कैटेगरी बताओगे. सही है. लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम रियली पैशनेट अबाउट गेमिंग. सही है. कंप्यूटर गेमिंग के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, और जो भी गेम्स बाहर आ रहे होते तो मैं हमेशा अपना नॉलेज के ऊपर रखता हूँ. एंड गेमिंग मेरे प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं, माउस वगैरह ये वो सारे, हेडफोन्स. तो अब अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे लिए जो कैटेगरी हो गई वो हो गई क्या, एक मिनट में जरा यहाँ पे जी दिखा देता हूँ आपको. मेरे लिए क्या कैटेगरी हो गई, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या हो गई मेरे लिए. मेरे लिए प्रोडक्ट कैटेगरी होगी पीसी, पीसी कॉम्पोनेंट्स, डीवीडी एंड ब्लू रे. ये मेरी हो गई प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है. और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में मैं अब आई विल बी डीप डाइविंग डीप इनटू के भाई कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी स्पेसिफिक निश मैं टारगेट कर रहा हूँ. उसके लिए वो मेरा जो एरिया है वो है फॉर एग्जाम्पल गेमिंग माउस. वो मैं वहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, वो आपको ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन दे देगा, ठीक है. आप फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे Amazon आपसे पूछेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होगे वो कैसे कर रहे होगे, ठीक है. आपके सोर्स और मीडियम क्या होगा, ठीक. तो मीडियम इज बेसिकली आपका ट्रैफिक मीडियम क्या होगा, विल इट बी ऑर्गेनिक, विल इट बी पेड, पेड एडवर्टाइजिंग वगैरह, ठीक है. विल इट बी ईमेल, विल इट बी दूसरे कोई भी अगर मींस है आपके, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सही है, ऑर्गेनिक होगा, सोशल होगा, क्या होगा. तो वो आप यहां पे सेलेक्ट करोगे. उसके बाद एक्सक्यूज मी आप कोई एप्स वगैरह के थ्रू कर रहे होगे, पुश नोटिफिकेशन के थ्रू कर रहे होगे, वो सारी डिटेल्स आप यहां पे डालोगे, ठीक है. काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बता देता हूं आप क्या कर रहे होगे. फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एसईओ को मार्क कर रहे होगे, इन दो एरिया और ब्लॉग्स को, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एसईओ एंड ब्लॉग्स को आप इन तीन एरियाज को करोगे. अब डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे होगे, ये आपकी गूगल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग नहीं है. ये जो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो आप बेसिकली प्रोडक्ट्स को बेसिकली डायरेक्टली आप अपने शॉप पे, ये देखिए दिस इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, दिस पर्टिकुलर वन ओवर हियर. ये हम गूगल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहे. प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड्स एज ऑफ येट. मैं सारे अभी जितने भी हैंड्स रेज हुए हैं उनको लोअर करूंगा. व्हेन आई स्टार्ट माय सेशन आई विल लेट यू नो, ठीक है. आई विल नॉट टेक योर क्वेश्चन फर्स्ट, आई विल टेक योर स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन जब सेशन स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स का. सही, दिस इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग. एंड हम लोग ऑब्वियसली हमारा ब्लॉग है और हम लोग इस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे, तो हम इन तीन एरियाज में फोकस कर रहे होंगे, तो इनको हम मैंने तभी हाईलाइट करा हुआ है, ठीक. उसके बाद एंटर योर फोन नंबर. फोन नंबर आप जैसे ही डालोगे फिर वो एज फार एज आई रिमेम्बर वो आपको जो है ना बेसिकली एक ओटीपी भेजेगा, वो आप वेरीफाई करोगे एंड देन यू विल जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. चूज योर पेमेंट मेथड. पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करोगे. जैन ने आई एम श्योर आप लोग को पेपल बनाने का तरीका बता दिया होगा, वो आप इससे हुक करोगे और दैट इज इट, ठीक है.
एंड दैट्स इट एंड क्रिएट Amazon एफिलिएट लिंक्स. ये आपका Amazon का पूरा डैशबोर्ड है. इस पे लिंक क्रिएट करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि जो भी ऑफिशियल लिंक है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक की बात कर लेता हूं, ठीक है, इसमें जस्ट लेट मी सी. अच्छा सर, अभी भी रेफरल, आप इसके नेकेड लिंक उठाओगे, रेफरल लिंक, ये REFR है, नहीं आगे रेफरल लिंक चल रहा है, हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और ओरिजिनल लिंक को पेस्ट करेंगे. ओरिजिनल लिंक को आप लोग पेस्ट करेंगे और आप लोग अपने डैशबोर्ड पे जाके जब पेस्ट करोगे और क्रिएट एफिलिएट लिंक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एफिलिएट लिंक बन जाएगा. ठीक है, दैट इज हाउ इट्स सपोज टू गो. सो या, एक सेकंड रुकिएगा जी. यहां पे मैंने पूरा तरीका बता दिया वैसे आप लोग को, ठीक है, कैसे बनाते हैं एफिलिएट लिंक, ये पूरा वॉक थ्रू है इसका, आप लोग यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. आई वोंट वेस्ट टाइम क्योंकि ये मैंने आप लोग को मुंह से पानी वैसे ही बता दिया इसका पूरा तरीका होता क्या है Amazon एफिलिएट लिंक. और यहाँ पे मैंने आप लोग को बता भी दिया कि लिंक बनाते कैसे, उसका भी आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिया है. ये स्लाइड आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी, आप लोग इसमें देख सकते हैं कैसे होगा इसका. अच्छा, सो हियर इज अ क्विक नोट. आपका जो Amazon एफिलिएट वेबसाइट जब अप्रूव हो जाएगी, पहले तो ये योर अकाउंट विल बी अप्रूव्ड फॉर 180 डेज. सो व्हाट डज इट मीन ओवर हियर, अगर 180 डेज के अंदर आपने एक भी सेल नहीं करी, योर अकाउंट विल गेट डिसेबल्ड अगेन. इट डज नॉट मीन इट कैन नॉट बी, इट हैज टू गो थ्रू द अप्रूवल प्रोसेस अगेन, बट इट विल बी डिसेबल्ड. एंड 180 डेज इज अ लॉट ऑफ डेज टू गो थ्रू, सही है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. वो टेक्निक्स मैं आपको बता दूंगा. इम्पॉसिबल है कि आपका एक भी प्रोडक्ट ना बिके अगर अगर अप्रूव हो गया, क्योंकि Amazon पहले जो अप्रूवल प्रोसेस जो है ना वो Amazon का, इट मे टेक, मैं आपसे ही बोलूंगा Amazon क्या बोलता है. बेसिकली Amazon बोलता है आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए, मैं एक नई वेबसाइट को ऐसे अप्रूव नहीं करूंगा, पहली चीज. दूसरी चीज, आपके पास कुछ रेलेवेंट ट्रैफिक जनरेट होना चाहिए साइट पे, ठीक है, वो बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड मैं आप लोग को बता दूंगा कितना होना चाहिए, ठीक है. ये दो चीजें आप लोग की अकॉम्प्लिश होनी चाहिए. आपकी वेबसाइट की कॉम्प्लायंस में प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए वेबसाइट पे. कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, क्योंकि Amazon बोलता है अगर आप ये चीजें नहीं डालोगे तो आप अप्रूव नहीं होगे. मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बता दी हैं जो आपकी बेसिकली कॉम्प्लायंस में आती हैं. डिटेल में मैं और ज्यादा आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आप लोगों को एग्जैक्टली चाहिए, बिकॉज वो वेबसाइट आर्किटेक्चर में आता है एग्जैक्टली सब कुछ, पूरा ब्लूप्रिंट, ठीक है. तो यू कैन रीअप्लाई फॉर Amazon एसोसिएट प्रोग्राम आफ्टर यू मेड सर्टेन एडजस्टमेंट टू योर वेबसाइट, ठीक है. सो डोमेन नेम सिलेक्शन, डोमेन नेम सिलेक्शन की तरफ आ जाते हैं. आप लोग के पास एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज डोमेन नेम सिलेक्शन जरूर कर लें. मैं जरा पानी पी रहा हूं प्लीज. जी, डोमेन नेम सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको बता रहा हूं. एक बात याद रखिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, दिमाग में रखिएगा. डोमेन नेम, देखिए दो चीजें होती हैं. दिस इज द डोमेन नेम docs.google, मतलब फॉर एग्जांपल 90 मिनट नेटवर्क, ठीक है, और ये आगे आपकी डायरेक्टरी चल रही है इस डोमेन नेम के ऊपर, जैसे कि एफिलिएट्स, ठीक है. डोमेन नेम डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू SEO. डोमेन नेम की बात कर रहा हूं मैं, सब डायरेक्टरी डज, ठीक है. आप अगर ये समझते हैं कि मैं कैट्स के निश के अंदर जो है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा, और आप ये बोलते हैं cats123.com आपकी वेबसाइट का नाम है, और ये बोलते हैं मैंने cats123 इस वजह से रखा है बिकॉज ये मेरे SEO में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है. cats123 won't contribute towards your SEO. The actual thing that will contribute towards your SEO will be जो आपके cats123 के बाद जो भी ब्लॉग का नाम है. For example, in this instance, मैं आपसे बात करता हूं, आप ये बोलते हैं 1020.com, ये अपने कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड बेस्ट गेमिंग माउस,
टॉप 10 गेमिंग माउस के ऊपर ये नंबर वन रैंक करता है, नंबर वन नहीं, आई मीन पहले पेज पे रैंक करता है, ठीक है। अब इसने कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि आप ये बोलो कि ये बोलता गेम 1020 gaming.com, गेमिंग का वर्ड इसने नहीं डाला। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ना मतलब इन शॉर्ट मगजमारी करने की जरूरत नहीं कि नहीं यार मुझे जो है ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है आपने, क्योंकि मैं आई नो अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस और मेरे पास्ट में आई एम 32 राइट नाउ, आई हैव स्टार्टेड ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज लाइक 24 आई थिंक और 23, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और जब मैं अपनी पहली साइट बनाना जा रहा था तो यकीन करें हम दोस्त कुछ इन्वॉल्व थे, पार्टनर्स थे, तो हम लोग को सिर्फ 3 हफ्ते तो लड़ने झगड़ने में इसमें ही लग गया। हमने सोच लिया हमें काम साथ में करना है, लेकिन इसी लड़ने झगड़ने में रह गए कि नाम ये हो या नाम ये हो। 3 नाम मैंने शॉर्टलिस्ट करे हुए थे, 3 किसी और ने करे हुए थे, 3 किसी और ने करे हुए थे, फाइनली वो कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा, प्लीज नाम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेजी होने की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता कुछ डोमेन अथॉरिटी टिप्स होती हैं, वो मैं आप लोग को बता दूंगा विद टाइम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कि डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी क्या होती है, क्या उसको देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए डोमेन नेम सिलेक्शन करते वक्त, क्या आप लोग डोमेन महंगा डोमेन ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर मैं एक सिंपल नाम के बारे में बात कर रहा हूं तो अभी अपने दिमाग में ये रखें आप लोग कि जो नेम है उसमें आपका निश्चय डायरेक्ट रिलेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इट वुडंट सीम राइट कि अगर आप cats.com रखते हैं और आप डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, सही है, तो ये चीज नहीं कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं सब डायरेक्टरी जो इसकी है, जो डायरेक्टरी है बेसिकली, उसमें बेस्ट गेमिंग माउस रखा हुआ है इसने, जो इसका मेन आर्टिकल है उससे रिलेटेड इसने ऊपर कीवर्ड भी वही रखा हुआ है बेस्ट गेमिंग माउस, ठीक है। हम उसके ऊपर असल में प्ले अराउंड करेंगे, डोंट थिंक टू मच ओवर द डोमेन नेम। हाउएवर हियर्स अ थिंग, शॉर्ट एंड मेमोरेबल रहना चाहिए, शॉर्ट हो मेमोरेबल रहे, बैक ऑफ द हेड रिमाइंडर आपको दे दे कि यार ये था। फॉर एग्जाम्पल इसने 1020 रखा हुआ है, तो आप ये देखें इसने जो, सॉरी एक मिनट, इसने 1020 रखा हुआ है, तो 1020.com इसने रखा है। मैंने आप लोगों को जब सर्च करके दिया तो मैंने यहां पे डायरेक्टली 1020 रखा है, क्यों, क्योंकि मुझे इसका नाम याद रह गया था, ठीक है। तो नाम ऐसा हो कि बंदा जो है वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आना शुरू कर दे, एक, या वो गूगल पे डायरेक्टली आपका जो शॉर्ट नाम है बेसिकली उसको सर्च करके डायरेक्टली आपकी साइट पे आना शुरू कर दे, ठीक है। Use practical keywords or extra letters, ठीक है, shouldn't be too long, spammy, and please no hyphens, ठीक है, कोई hyphens मत use कीजिएगा, जो आजकल आदत है ना कि यार मुझे वो domain name नहीं मिल रहा, अच्छा मैं उस बीच में hyphen use कर लेता हूँ, सही है। जैसे कि एक बहुत मशहूर domain name है shut up and take my money, अब आप ये बोलते हो यार shut up and take my money तो किसी और ने ले लिया, सही है। मैं करता हूँ shut up and take my money हर वर्ड के बीच में hyphens डाल देता हूँ, ये मत कीजिएगा प्लीज, ये काफी लोगों को करते हुए देखा है, जस्ट डोंट डू इट, इट्स नॉट बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली, ठीक है। मतलब आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इट वुड डैमेज यू इन सम वे। कुछ साइट्स हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने बीच में hyphen डाला हुआ था, लेकिन आप मशहूर साइट्स के मेजोरिटी मशहूर साइट्स का आप देखें ना एग्जाम्पल देखें कि वो लोग जो है ना एक नाम रखते हैं मेमोरेबल नाम, हाइफन यूजली लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो जस्ट गेट रिड ऑफ द हाइफन। नाम सर्च करने के लिए सबसे आसान मैं आप लोगों को बोलूंगा आप namemesh.com पे चले जाएं, namemesh.com, ये मैं आप लोग को अभी namemesh.com ये मैं आप लोग को इधर दे रहा हूं चैट पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं cats101 ये मेरी वेबसाइट का नाम हो, मैं जनरेट करूंगा इसके ऊपर, तो ये मुझे जो पॉपअप खुले उसको बंद कर दीजिएगा, अब ये मुझे डिफरेंट नाम सजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक, जो कैट्स 101 से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज जनरेट करके दे देगा मुझे जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो एसईओ के यहां पे देखें आप, डू नॉट थिंक ये एसईओ में डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मैं द कैट्स 101 अवेलेबल है, ठीक है, रजिस्टर कर सकते हैं, iCats101, acats101, mycats101,
मी कैट्स 101, ठीक है, उसके अलावा भी ये बहुत सारे नाम सजेस्ट कर सकता है। रुकिएगा जरा, सॉरी एक सेकंड, ये देखिए लिस्ट चली चली जा रही है, सही है, तो ये लिस्ट चलती चली जाएगी, हम लोग ऊपर देखते हैं जब तक, ठीक है। यहां से आप लोग कुछ आइडियाज ले सकते हो। यूजली काफी लोग जो है ना नाम नेम सिलेक्शन के वक्त जो है ना इस वेबसाइट को गो थ्रू जरूर करते हैं, ठीक है। सो या ये हो गया, एंड ओके, सेलेक्टिंग अ थीम। तो अब आप लोग कुछ चीजों के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस तरह के थीम सिलेक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, बिकॉज आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, अगर नहीं भी पता तो मैं आप लोग की नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ जिनको नहीं पता, कि गूगल पे रैंक करने के लिए हम लोग एक पूरा सेशन एसईओ का रख रहे होंगे, और गूगल ये बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी साइट मेरे अपने रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है या आपको ओवरऑल रैंक करना है और आप ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस दूं, तो कुछ चीजों का तुम्हें बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पेज लोड टाइम हो गया, वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, पेज लोड टाइम कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है। आइडियली गूगल बोलता है कि 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो जानी चाहिए। अब मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको ये पता करना है कि आपको आपकी पेज लोड टाइम क्या है, तो आप एक वेबसाइट याद कर लें, जीटी मैट्रिक्स। I'm sorry, I think मैं कुछ गलत लिखा है, सॉरी, हाँ मैंने गलत लिखा था, ठीक है। ये मैं आप लोग को ऐसे यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग के पास अपनी अपनी वेबसाइट्स हो तो यहाँ पे डालिए, चेक करिए कि आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, और आप लोग उसको, ये आपको बताएगा कि आप लोग उसको इम्प्रूव भी कैसे कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको अभी वेबसाइट बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। ये जो पूरा बेसिकली जो वेबसाइट है ये आपको बताएगी आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है और उसमें अभी क्या कहा इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है और उन इंप्रूवमेंट्स को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। एक सेकेंड रुकिएगा जी। तो रिस्पॉन्सिवनेस, अच्छा ये होता है पेज लोड टाइम हो गया कि कितनी देर में वेबसाइट लोड हो रही है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है मैं देख बताता हूं आपको। इंस्पेक्ट करा मैंने, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करा, तो आपकी जो है वेबसाइट क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो जब आप राइट क्लिक करके किसी भी साइट के ऊपर इंस्पेक्ट करते हो तो उस पर ये आता है कि टॉगल डिवाइस टूल बार। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मोबाइल व्यू आ जाएगा इस पर, ठीक है। फिर आप इसको जो है ना बेसिकली मोबाइल के व्यू के लिहाज से उसको उसकी विड्थ चेंज कर सकते हो चेक करने के लिए कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है। ये जो फॉरन अपना साइज बदल रहा है ना, दिस इज ऑल्सो इट ऑल्सो कम्स इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेबसाइट। जैसे आप देख सकते हो दिस इज मोबाइल व्यू, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा इसको तो ये वेबसाइट डेस्कटॉप व्यू आ गया और ये आपको बताएगा टैबलेट्स एंड प्रोबेबली डेस्कटॉप के ऊपर कैसे दिखेगा। अगर मैं इसको इसकी विड्थ को फिर एडजस्ट करूंगा तो ये उसके लिहाज से अपने आप को एडिट करेगा। आप लोग ने कभी कभी देखा होगा कि कुछ साइट्स जो होती हैं वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती और जब आप उसको खोलते हो तो डेस्कटॉप वाला व्यू आ जाता है और फिर आप उसके लेफ्ट एंड राइट पे तेजी से जो है ना अपने थंब के साथ स्क्रॉल कर रहे होते हो ताकि पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ो। तो इस तरह की पुअर वेबसाइट्स और टेम्पलेट्स की तरफ हमें नहीं जाना, ठीक है। सो गुड सपोर्ट, गुड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। प्रीमियम थीम्स आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा खरीदें। मैं आप लोग को वैसे ही इस वेबसाइट को सजेस्ट नहीं करूंगा, gfxtra31.com। ये वेबसाइट जो प्रीमियम थीम होती हैं ये अंडरग्राउंड जो है प्रीमियम थीम्स फ्री मिल रही होती हैं यहाँ पे। तो आप लेट्स सपोज कोई प्रीमियम थीम है एनवाटो, एक सेकंड, आई एम सॉरी आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, Envato, yes, it's Envato, सही है। Envato पे जाएं आप लोग एंड Envato पे जाके आपको अगर कोई थीम मिलती है, let's suppose Amazon affiliate marketing WordPress theme, ठीक है,
तो आप लोग को ये वैसे ही सजेस्ट कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट थीम फॉरेस्ट से भी कर दी एंड ऑल. ठीक है, यहाँ पे आप लोग ने कोई थीम देखी, आप जाके GFX एक्स्ट्रा में डालोगे, जो साइट ने भी आप लोग को बताई, इट इज हाईली लाइकली कि आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी वहां पे. ठीक है, इट इज हाईली लाइकली कि वो जो टेम्पलेट है आपको वहां मिल जाएगा. लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, जब आपको वो थीम मिलेगी आप ये सोचोगे चलो यार मुझे फ्री थीम मिल गई, अब मैं अपने लिहाज से अमेजोन एफिलिएट के ऊपर काम कर सकता हूँ और डिफरेंट अपने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ. आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने वो अंडरग्राउंड वेबसाइट से डाउनलोड करी है उस थीम को. कल को अगर उस वेबसाइट के कोई अपडेट्स आते हैं, क्रूशल अपडेट्स आते हैं, या उस वेबसाइट में आपको कोई इशू आ रहा है, कोई बग आ रहा है और आपको सपोर्ट चाहिए उस उस बेसिकली उस थीम की टीम से, सही है, तो वो आपको नहीं मिलेगी. बिकॉज आपको सिर्फ वो तब मिलेगी अगर आप ऑफिशियली प्रॉपर मीन से, प्रॉपर चैनल से जाके उस वेबसाइट या टेम्पलेट को खरीदते हो. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट बाय द वेबसाइट प्रॉपरली रादर, और इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर लो. मैं आप लोग को कुछ थीम्स बता दूंगा, लेकिन एक प्रॉपर सेशन रखूंगा सिर्फ थीम्स के ऊपर भी, कि मैं कौन सी थीम्स और ज्यादा सजेस्ट करता हूँ. अभी कुछ करूंगा सजेस्ट, लेकिन उसके अलावा भी आगे डाउन द रोड मैं आप लोग को बताता रहूंगा. ठीक है, गूगल Amazon review themes, तो आप लोग को जो है ना काफी सारी themes वैसे भी सामने आ जाएंगी. Themes should be responsive to check mobiletest.me or search.google.com/test/mobile-friendly पे जब जाएंगे तो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट या जो है टेम्पलेट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं. ये मैंने आप लोग को बता दिया. अच्छी वेबसाइट्स कौन सी, एलिगेंट थीम्स, थ्राइव थीम्स, एनवाटो, रिस्पॉन्सिव लेआउट होते हैं इनके, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, और अमेजोन रिव्यूज के लिए बहुत अच्छी साइट्स होती है, तो आप इनको विजिट कर सकते हो. ठीक है, जिन लोगों के पास, सॉरी मैं ये वाला पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यू गाइज आई एम एज्यूमिंग के यहाँ पे मेजोरिटी लोग ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को लोगोस, अगर कोई है ग्राफिक डिजाइनर्स और उनके पास फोटोशॉप नहीं है या उनको लगता है कि प्रॉब्लम फेस होगी, तो वो लोग गिम्प डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, या आप लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर दो, आखिरी पॉइंट को, ये मैंने सिर्फ एक एडेड पॉइंट डाल दिया था. ओके, सो वेबसाइट स्टार्ट करते वक्त मेक श्योर, सही है, कि आप लोग जो है कंटेंट कैटेगरीज आप लोग की अलाइंड हो. प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि अभी आज मैंने आप लोग को ये पॉइंटर पहले दे दिया है कि जब आप लोग वेबसाइट अपनी लॉन्च कर रहे हो तो उस वक्त लॉन्च करने के फौरन बाद ही आप लोग ये सोचो कि यार बस सही है मैंने अब अमेजोन पे साइन अप कर लेना है, ऐसा नहीं करना आपको. ठीक है, आप लोग, यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि वेबसाइट जिस दिन लाइव होगी, लाइव होने से पहले आप लोग के पास 10 से 15 कंटेंट पीसेस आपके पास रेडी हो, जो आप लोग लाइव करते वक्त जब लाइव लेके जाओ वेबसाइट और आप कोई एक कंटेंट पीस जाके सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो और कोई लेट्स सपोज देखे, तो वो वेबसाइट पे आके इन्हें बोले ओहो ये तो आज इसने पहले ही आर्टिकल डाला इसने. ठीक है, अवॉइड दैट. ठीक है, कि बंदा जाए तो वो बोले कि नहीं यार इसके पहले भी कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं एंड ही हैज सम कंटेंट टू गो थ्रू. ठीक है, कम से कम 10 तो होने चाहिए, कम से कम भी. उनका आइडिया मैं आप लोगों को बता देता हूं. आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जब गूगल पे हम सर्च करने जाते हैं तो गाइड्स एंड रिव्यूज बहुत एक मशहूर और इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है, जिस और ये हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की दबान में ना हम बोलते हैं कन्वर्टिंग इंटेंट कीवर्ड्स. सही है, इंटेंट कीवर्ड्स वो होते हैं बेसिकली जिस पे लोग यूजुअली जाके बाय कर लेते हैं, कन्वर्जन इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं वो. फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कोई डीएसएलआर का मॉडल है, फॉर एग्जांपल, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, सही है, लेकिन जिसके थिंक ऑफ समथिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल बीट सोलो H3 2 रिव्यू. अब अगर मैं रिव्यू पढ़ रहा हूं ना इसका, ठीक है, और अगर इसका रिव्यू मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, तो देयर चांसेस 100 में से 2%, 5%, 10% चांस है कि मैं कन्वर्ट कर जाऊंगा. ठीक है, तो ये हाई इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है,
तो इस तरह के कीवर्ड्स पे हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे होंगे, सही है? जैसे कि फाइव गाइड्स, बाइंग गाइड्स, बेस्ट ऑफ, हाउ टू, ठीक है? और ये गाइड्स के लिए हो गया, रिव्यूज के लिए हो गया, ब्रांड और प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, या ब्रांड और प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू. फॉर एग्जाम्पल एस जे कैम वर्सेज गोप्रो, ठीक है? अब एस जे कैम ऐसा भी हो सकता है, गोप्रो 7, सही है, वर्सेस एस जे कैम. एस जे कैम बिल्कुल बेसिकली गोप्रो की कॉपी है, आई एम श्योर यहां पे ज्यादा काफी लोग जानते भी होंगे. गोप्रो को तो सभी जानते होंगे शायद. एस जे कैम 7, ठीक है, वर्सेस गोप्रो 7, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो एस जे कैम एस जे 8 सॉरी एस जे 8, ठीक है, यहां पर आ गए हम लोग. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये अमेजोन पे इस पे इसके लिंक्स शेयर हुए हुए होंगे. अब इसमें सारे जो है ना प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करे हुए हैं यहाँ पे, एंड आई एम श्योर. अच्छा नहीं, इसने नहीं करा हुआ कोई कॉल टू एक्शन, इसने डाला हुआ नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आई थिंक कोई तो कॉल टू एक्शन होना चाहिए इसमें. वाओ, आई एम सरप्राइज, यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन नहीं है. लेकिन आई एम श्योर यहाँ पे कोई एक ऐसा जरूर होगा जिस पर हमें कॉल टू एक्शन नजर आएगा. लेट्स जस्ट गो थ्रू एंड सी के अगर हमें ऐसी कोई साइट मिलती है. ये देखिए आप जरा, ठीक है, हमने बोला एक्स वर्सेस वाई. और मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत हाई इंटेंट कीवर्ड्स, कन्वर्जन इंटेंट कीवर्ड्स होते कि बेस्ट, बेस्ट ऑफ, हाउ टू, बाइंग गाइड्स, ब्रांड, दिस वर्सेस दिस, राइट? ये बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसमें इंटेंट के अलावा, वो ये है कि गूगल की नजर में जो मॉडल नंबर्स होते हैं ना, वो इटसेल्फ भी बहुत कन्वर्टिंग होते हैं. जैसे एस जे कैम, लेकिन उसमें आपने उसका मॉडल नंबर बता दिया एस जे 8 प्रो. इसी तरह गो प्रो, और आपने उसका एक मेन जो मॉडल नंबर है हीरो 6 के बारे में आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो आपने मॉडल नंबर बता दिया. तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो मॉडल नंबर्स होते हैं, वो इटसेल्फ बहुत बड़े कीवर्ड्स होते हैं और बहुत ज्यादा कन्वर्टिंग होते हैं, ठीक है? तो इस तरह की ये मैं बस आप लोग को एक आइडिया देना चाह रहा था कि क्या क्या चीजें आपको इन कंसिडरेशन रखनी है जिस तक आप लोग आर्टिकल्स लिख रहे हो, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा. ओके, सो एक मिनट रुकिएगा, मुझे जस्ट ओके, मैं ये दो सेक्शन और कर रहा हूं, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को. सेलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल निश, समथिंग दैट इंटरेस्ट और इज इंटरेस्ट यू और इज योर पैशन. मैं आई एम अ कीन बिलीवर के अगर कोई चीज आपका पैशन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको जाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको हमेशा पहली थॉट जो है ना अपने पैशन को देना चाहिए. प्लीज सिट डाउन एंड थिंक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट. मैं अपने बारे में बताता हूँ, यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. आई एम पैशनेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ नए चीज सर्च करते रहता हूँ. आई एम पैशनेट अबाउट गेमिंग, ठीक है, मे बी सम ऑफ यू गाइज आर पैशनेट अबाउट कार्स, सम ऑफ यू गाइज माइट बी पैशनेट अबाउट ड्रोन्स, सही है, कोई पेट्स के बारे में हो सकता है, ठीक है. मैं बहुत टेक सेवी हूँ, तो मैं यूजली नई नई चीजें, नई चीजों के बारे में सर्च करता रहता हूँ कि यार अगर मैं सपोज स्ट्रीमिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं सर्च करूंगा सबसे बेस्ट सेटअप क्या है स्ट्रीमिंग करने के लिए, और फिर मैं सर्च करूंगा कि सबसे बेस्ट माइक कौन सा है. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव माइक लिया हुआ है, इसी तरह मैंने अपना जो इंडस्ट्री बेस्ट वेबकैम है वो भी मैंने लिया हुआ है. इट्स जस्ट बिकॉज आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट, सही है. स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली, बी इट स्पोर्ट्स, बिल्कुल, सही है, एनीथिंग. तो इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ यू सपोज टू गो अबाउट. सेलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल लिश, रेंज ऑफ प्राइसेस, हाई प्राइस रेंज आप लोग को रखना है. अब सवाल ये है कि हाई प्राइस क्या है. आइडियली प्रोडक्ट प्राइस शुड बी अराउंड $100. आप बोलते हैं क्यों सर, अगर $100 होगा तो मुश्किल से बिकेगा. ऐसा नहीं है. पहली बात, आपकी टारगेट मार्केट पाकिस्तान नहीं है. सनी भाई क्या बोलते हैं, अमीरों को टारगेट करो, राइट, बिकॉज ताकि उन लोगों के लिए ये कोई अमाउंट रहे नहीं,
ठीक है, तो हम लोग कोई पाकिस्तान को या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। तो हम लोग को टारगेट करना है उन लोगों को जिनके लिए $100 $200 कुछ भी नहीं है। आइडियली हमें फ्लक्चुएट करना है बिटवीन $70 to $150 के बीच में। डू नॉट एम एनीवेयर अराउंड बिलो $60 to $70 बेयर मिनिमम एक्सट्रीम केसेस में, क्योंकि आप 10 प्रोडक्ट्स को लेट्स सपोज कंपेयर कर रहे हो आपस में, टॉप 10 एक्स प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, टॉप 10 क्रिकेट बैट्स एग्जांपल, टॉप 10 क्रिकेट बैट्स। अब टॉप 10 क्रिकेट बैट्स में से जो 8 हैं वो एक्सपेंसिव हैं, एक्सपेंसिव हैं अबव $70 to $100, लेकिन दो जो हैं वो हैं $50 के। अब आप बोलते हैं कि सर क्या हम इन $50 ये जेन्युइनली जो बाकी दो हैं ये टॉप 10 में आते हैं, लेकिन हमें असल में इनके बाद दो और नजर आए हैं जो टॉप 10 में नहीं आते लेकिन इनके बाद बेस्ट हैं लेकिन वो टॉप 10 में नहीं आते बट दे आर इन $100, तो हम किसको करें लिस्ट? या श्योर मैं आपको बोलूंगा लिस्ट दो $50 वाले। क्यों? देखिए गूगल ये बात बोलता है, गूगल पसंद करता है, गूगल का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि आप सच लिख रहे हो या आप सिर्फ सेल करने के लिए लिख रहे हो, क्या आप एक्चुअली अपने जो रीडर है उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो या आप सिर्फ आपका फोकस सिर्फ पैसे की तरफ है। अगर आपका पैसे की तरफ है सिर्फ फोकस, तो गूगल्स ओन एल्गोरिथम इज सो स्मार्ट कि वो आपको नीचे कर देगा इवेंचुअली। शायद कुछ अरसे के लिए आप फर्स्ट पेज पे आ जाओ लेकिन इवेंचुअली आप नीचे जाओगे। क्यों? जो रीडर का इंटरेस्ट है वो बैठेगा नीचे, बैड वर्ड ऑफ माउथ बाहर जाएगा आपका। जो गूगल ना बेसिकली आप लोग को पता होगा, मैं गूगल एनालिटिक्स खोल के नहीं दिखा रहा लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक बात, बाउंस रेट एक चीज होती है, सही है? मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, चलें एहतियातन। एक्सक्यूज मी, जी एक चीज होती है बेसिकली बाउंस रेट बहुत सारी चीजों में से। मैंने बोला पेज रिस्पांस टाइम एक चीज होती है बिल्कुल, फिर मैंने बोला लोड टाइम होता है, फिर होता है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है एग्जैक्टली? कि बंदा आया आपकी वेबसाइट पे और उसने कितनी देर में वेबसाइट बंद कर दी देखते ही। बाउंस रेट जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका जो कॉन्टेंट है जो रीडर के लिए हेल्दी आर्टिकल है, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उतना ज्यादा जितना ज्यादा यूजर टाइम गुजारेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर और बाउंस रेट जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, आपके डोमेन के लिए उतना ज्यादा हेल्दी है और गूगल आपकी रैंकिंग्स ऊपर लेके आएगा। ठीक है, अब जैसे बेसिकली आई एम वर्किंग फॉर MCB आरिफ अबीब, एट दिस टाइम 7 लोग बैठे हुए हमारी वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एक सरसरी सा के बाउंस रेट के क्या होता है एग्जैक्टली, किस तरह हम गूगल एनालिटिक्स पे देखते हैं। ये आपको ऐसी बात है गूगल अमेजोन के साथ नहीं देख सकते लेकिन मैं आप लोग को एक एरिया दिखा रहा हूँ सिर्फ कि बाउंस रेट का, ये देख रहे हैं आप। तो बोला ये जाता है कि एनी वेबसाइट जिसका बाउंस रेट अराउंड 30% है, और 30% यकीन करें ज्यादातर साइट्स का बाउंस रेट 30% नहीं होता। जब साइट्स नई स्टार्ट होती हैं तो उनका बाउंस रेट यूजली 70% के अराउंड होता है। फिर अगर लाइक आपको ये भी लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट लिख रहा हूँ फिर वो बैठता आराम से नीचे जाता है। एनी साइट दैट हैज अ बाउंस रेट ऑफ बिलो 50% इज कंसिडर्ड गुड, लाइक इट्स अ गुड वेबसाइट, इट्स अ रियली गुड वेबसाइट। ठीक है, एनी साइट दैट हैज अ बाउंस रेट बिलो 30% इज कंसिडर्ड अमेजिंग वेबसाइट। ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट नियर 30%। लो वैसे भी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है लोग चीजें देख रहे होते हैं तो इस पर टाइम लगता ही है। इन्वेस्ट करने से पहले बंदा पहले अपना पूरा होमवर्क करता है फिर इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली इतना तो होना ही है। ठीक है, तो दिस इज वॉट समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन योर रैंकिंग। अगर आपका बाउंस रेट बहुत हाई होगा रीडर पढ़ते ही, या आपका बहुत ज्यादा आप सेल कर रहे हो तो फिर उसके बाद रीडर आएगा आपकी साइट पे और फॉरन बाउंस बैक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग्स
बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी. ठीक है. सो या आइडियली मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट प्राइस शुड बी अराउंड $100. पॉपुलर प्रोडक्ट्स को कोशिश करो, एम करो. पॉपुलर प्रोडक्ट्स को नहीं करोगे, आप बोलते हो नहीं यार मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट को करता हूँ जिसका किसी ने नाम नहीं सुना. ठीक है. तो आप अगर नाम नहीं सुना तो जो रीडर आएगा वो बोलेगा मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना, पता नहीं क्या है वो. मे बी एक सर्च कर ले, मे बी क्लिक भी कर ले कुछ, लेकिन अगर उसने कॉन्टेंट खोला, अमेजोन पे गया, उसके बैड रिव्यूज हुए, ये दोनों बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स गो हैंड इन हैंड. प्रोडक्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स लॉट्स ऑफ रिव्यूज. रिव्यूज बिलो 4.5 हुए people will not even consider buying it, or even if they consider buying it aur aapka wo bura aata hai product to aapke review website ko koi recommend nahi karega. theek hai. popular products hona zaruri hai. theek hai. aur main aapko ek aur baat bata dun. actually main yahan pe khatam kar raha hu. I'm not going any further right now. please mera thode sa meri aaj really have a bad throat. I'm still on antibiotics. I'm going to end it over here. I'm going to take starting question, but do not raise hands as of yet. अभी मैं सारे hands raised को नीचे करूँगा, ठीक है? फिर I'll take it from the start again. मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको. मैं basically ये सोच रहा था कि Amazon Associates is another great way to sell your products on Amazon. आप लेकिन Amazon को बेसिकली ये नहीं पता चलना चाहिए as far as I know कि आप अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो. लेकिन there's a technique. वो technique मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है? ऑर्गेनिकली आप एज अ रिव्यू, मैं आपको चले एक बात बताता हूँ गाइज, दो सेकंड में प्लीज. आई जस्ट ऑल यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू बी वेरी फोकस्ड राइट नाउ, वेरी फोकस्ड. ठीक है, ठीक है जी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है. I want you guys to be very focused right now. Achha, okay, theek hai, I'll definitely suggest. So that's all, sir. आपने सारे points, मेरे questions भी clear हो गए हैं. लोगों ने पूछ लिए already और आपने already बड़ा detail answer दिया है. Okay. Okay. I'm glad that you guys liked the session because मैं honestly मैं अपने बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ. मेरा ये है कि मेरी खुशी सिर्फ इस चीज में, और मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि EC सिर्फ ये बोलता है. Genuinely मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास जितने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए ना तुम लोग, मेरे मुझे क्योंकि मैं बेसिकली मेरा कहीं और से भी पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी यहाँ मिलती है जब लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं. मेरी खुशी वहां पर है. तो तुम लोग को मुझे जितना तंग करना है ना, तुम लोग तंग करो, मुझे कोई मसला नहीं है. थैंक यू सर. ओके, यू कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके. जी मोहम्मद रहमान. जी अस्सलाम वालेकुम. मान सलाम जी. पहले तो मैंने पूछना ये था कि आपने मुझे आपने बताया था कि मुख्तलिफ मीडियम्स यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अ वेबसाइट, तो विक्स भी एक वैसे ही मीडियम है, तो विक्स यूज कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म? यूज कर सकते हैं, बिल्कुल विक्स यूज कर दें, स्क्वायरस्पेस यूज कर लें, करना चाहे तो आप लोग तो शॉपिफाई का ब्लॉग भी यूज कर सकते हैं. लेकिन असल में बात क्या है कि अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं ना, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड वर्डप्रेस बहुत मशहूर है अमेज़न एफिलिएट के लिए, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे विजिट सजेस्ट कर सकता हूं जो कि डायरेक्टली आप लोग को प्राइस कंपैरिजन चार्ट्स डायरेक्टली इंटीग्रेट करा देगा. प्राइस कंपैरिजन चार्ट्स है ना ये वाले, ये बेसिकली एक विजिट है, ये एक विजिट है जो यूज हो रहा है वर्डप्रेस का. तो वो अब मैं, क्योंकि मैंने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग करी है लेकिन मैंने कभी भी स्क्वायरस्पेस या विक्स पे नहीं करी, और मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है. मैंने असल में पॉपुलर प्लेटफॉर्म, बिल्कुल विक्स बहुत पॉपुलर है, लेकिन आई डोंट नो उस पे क्या नाम है विजिट का, या होता भी है या नहीं होता. तो मैंने जो विक्स का एक जो बेसिकली एक जो चीज देखी है, जो मैंने इतने एड्स देखे, वो ज्यादातर ये कि लोग जो अपने प्रोडक्ट्स, प्योर एंटरप्रेन्योर्स जो अपने प्रोडक्ट्स की जो है ना शोकेस करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, अपने काम को, तो उसलिए ज्यादा यूज हो रहा होता है. आई वुड सजेस्ट स्टिक टू वर्डप्रेस. लेकिन आपको नहीं लगता कि वर्डप्रेस थोड़ा सा बेसिक है और उसमें जो इंटीग्रेशंस हैं और जो विजेट्स हैं वो थोड़े से कस्टमाइज नहीं हो सकते हैं, और आपने जैसे कहा कि कुछ टीम्स हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर सकते आगे, तो वो चीजें मेरे ख्याल से वर्डप्रेस पे ज्यादा अब बहुत अच्छे, तुम्हारा सवाल अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ये सोचो ना कि अगर तुम्हारा ये प्राइस कंपैरिजन टेबल ना हो तो मैं बोलता हूँ कि साइट का ना आधा मजा जो है ना वो किरकिरा हो जाता है.
और फिर तुम ये देखो कि मेजोरिटी साइट्स जो हैं, इवन गैरेटेक भी, तुम्हारी आवाज कट रही है आई थिंक, हेलो जी अब आ रही है आवाज? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी साइट जो है ना वो बेसिकली वर्डप्रेस ही इस्तेमाल कर रही हैं। अगर जैसे सपोज तुम वर्डप्रेस इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारे पास बेसिकली, तुम समझ ये सोचो तुम थोड़ा आइसोलेशन में चले जाओगे। क्यों? तुम जैसे सपोज अपने किसी दोस्त से, या यहाँ पे माशाल्लाह 126 लोग बैठे हुए हैं, तुम किसी से कोई बात पूछते हो, कोई बात डिस्कस करते हो कि यार मुझे ये मसला आ रहा है, तो कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगा। तो वो बोलेगा कि अच्छा यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कोशिश करो किसी ऐसे जनरल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। फिर देखो एक बार एक्सपीरियंस आ जाए ना तुम्हें, तो फिर तुम बहुत सारी चीजें और पे भी कर सकते हो। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक, चलो ठीक, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ओके, जी शोएब, सलाम अलैकुम। मुझ भाई शुएब नाथा ही बात कर रहा हूँ। जैसे माशाल्लाह आपने गैरीटेक की मिसाल दी है, तो ये जो आपकी जो टीम थी वीपीएन में, हारिस तनवीर उसमें होता था, मेरा फ्रेंड, मैं जानता हूँ हारिस को। और जी 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 जी, और उसके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एक और मेरा दोस्त साद आबिद है, शायद आप उनसे भी जानते होंगे। अच्छा, तो मुझे मेरा जो बेसिक क्वेश्चन मेरा जो ये था ना, वो ये था कि आपने एक स्लाइड में दिखाया था कि अगर अमेजोन, अगर आप एफिलिएट में जाते हो, आपकी वेबसाइट से लिंक करके कोई बंदा अमेजोन पे आ गया, तो आपकी अगर जो कैटेगरी उसमें 2.5% है, और अगर वो आपसे नहीं लेता, नीचे कोई और आइटम लेता है, तो वहाँ आपने मेंशन किया हुआ है 10%, तो क्या ये सबके लिए फिक्स है 10%, या जो आपकी जो नीच होगी या उसी के मुताबिक आपको मिलेगा? उसी के मुताबिक, नीच के मुताबिक आपको मिलेगा। अच्छा, वहाँ नीचे आपने मेंशन 10% किया हुआ, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो बस ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, वो असल में मैंने करा हुआ था, वो मैं सही कर दूंगा, लेकिन वो असल में मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए करा हुआ था कि आप लोग को मैक्सिमम 10% मिलेगा, वो मैं उस पे डिस्क्लोज कर दूंगा मैं। ठीक 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 है मुझे भाई। ओके, थैंक यू। जी सैयद मोहम्मद, बनाना पड़ेगा, वो भी इसी तरह से कि पेपैल और आईडी जो है हमें वो बाहरी जो अपने रिलेटिव हैं या कोई भी हैं उन्हीं के थ्रू बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान से नहीं साइन अप होगा? नहीं, पाकिस्तान से बनता है, लेकिन इसके ऊपर मैं तुम लोग को एक डिटेल जवाब दे दूंगा, बिकॉज मैंने खुद जो करा हुआ है वो बाहर से बना के करा हुआ है। लेकिन व्हाट आई विल डू इज कि मैं, मुझे पता है ये बात कि पाकिस्तान से लोग करें, पाकिस्तान का अकाउंट बना के करें, लेकिन इसको बस गिव मी वन मोर सेशन और मैं तुम लोग को 100% कंफर्म कर दूंगा। जी ठीक हो गया। और सर मैं इसमें ये कह रहा था कि जब हम एसईओ की जो साथ डेफिनेटली आपका सेशन करेंगे, तो एसईओ के अंदर हम किस हद तक जो है वो एसईओ को हम उस पे अपने आप को मास्टर कर लेंगे, ताकि हम खुद भी एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा अपने हैंड्स ऑन ऊपर रख लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि तुम लोग 100% अपने आप का, अपने आप को जो है ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा एसईओ में। मैं जो इंशाल्लाह नॉलेज दूंगा एसईओ में, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म दूंगा, जो तुम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह शॉपिफाई पे भी चाहो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो अमेजोन एफिलिएट पे कर सकते हो, चाहो तो कहीं पे भी कर सकते हो। तो वो एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अमेजोन एफिलिएटेड ओरिएंटेड ज्यादा होगी। ठीक हो गया। और सर अभी इन लाइन के लिए पेपैल जो है वो तो डेफिनेटली मुझे बाहर से कहीं से किसी को अरेंज करके बनाना पड़ेगा, तो वो मैं अरेंज कर लूँगा इस पर? हाँ जी, या तो तुम जैन से बात कर लो, वो तुम्हारी हेल्प करवा देगा उस एरिया में। जी चले, ठीक है। सो हाँ, ओके। जी जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि सो आई हैव फ्रेंड्स who are doing Amazon affiliate marketing from Pakistan, because Amazon बोलता है कि ये इस चीज़ के ऊपर कोई restriction नहीं है पूरी दुनिया में, हम किसी के ऊपर restriction लगाए, क्योंकि affiliate marketing किसी भी दुनिया के कोने से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप कोई particular tangible products थोड़ी बेच रहे हो, आप तो basically सिर्फ affiliate marketing कर रहे हो, तो it is 100% sure, I'm 100% sure कि आप पाकिस्तान से कर सकते हो। ठीक हो, चलें सर, आप इसके बारे में confirm कर लीजिएगा तो it will be very okay, thank you sir, जज़ाकअल्लाह। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते, वो मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे होती है।
लेकिन पेड ट्रैफिक जो है गूगल पे तो स्ट्रिक्टली मना करता है अमेज़न, और मेरा ये पॉप नेटवर्क्स हैं जो है, पॉप एड्स है या ये जीरो पार्क वगैरह इस तरह के नेटवर्क्स ये जो पॉप एड्स को मैं ती सजेस्ट करूंगा, बिकॉज़ अगर अमेज़न को पता चल गया सोर्स मीडियम तो देखिए कुछ ऐसे हो सकते हैं नेटवर्क्स जहां पे आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा मैंने व्हाइट हैट टेक्निक अप्लाई करी है मैंने खुद ने, और मैंने बिल्कुल प्योर एसईओ के ऊपर बिलीव करा है, बिकॉज अमेज़न एसईओ एसोसिएट्स इज बेसिकली इज नोन फॉर एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ला के कन्वर्ट करना, तो मैंने उस जगह में ज्यादा मैंने वो करा है। आई एम श्योर दैट देयर आर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जहां से आप कर सकते होगे, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे ज्यादा जेनेरिक अप्रोच पे इसलिए जाऊंगा क्योंकि लेट्स सपोज कभी कभी क्या होता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक प्लेटफॉर्म फिर से लेट्स सपोज आज से आप ये तो आप लोग जानते हो ना कि मैं आज कोई बात बोल रहा हूँ कल को इनवैलिड हो सकती है, मैं लेट्स सपोज बोल दूं आपको कोई एक्स प्लेटफॉर्म है वहां पे अभी आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो, कल को अगर अमेजोन ने बैन कर दिया और आप लोग की नजर से वो इन्फॉर्मेशन नहीं गई तो समझ रहे हो ना बैकफायर कर जाएंगी चीजें, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमेशा वो प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूं जिसपे आप लोग 100% श्योर होके 100% कभी भी ना बैन होने वाले प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग जा सकते हो। कि इसमें हम इस तरह भी तो कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट अमेज़न को ना भेजें ट्रैफिक, वहां से ट्रैफिक अपने जो है वेबसाइट पे ले आए फिर वहां से हम अमेज़न को रिडायरेक्ट कर दें जिस तरह लैंडिंग पेज होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग हम अपना जो है ब्लॉग बनाते हैं अपने ब्लॉग पे, आप ये कह रहे हैं कि एसईओ से लेंगे, एसईओ से मेरे ख्याल में कम से कम 1.5-2 महीने तो मैं मेरा अंदाजा। हाँ ये कर सकते हो आप लोग, हाँ सॉरी मैं आप सबको बता देता हूँ, आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग अपनी साइट की पेड मार्केटिंग करो, मतलब आपने बोला टॉप 10 बेस्ट गेमिंग माइस, आपने अमेजोन का लिंक नहीं प्रमोट करा, आपने अपनी साइट का लिंक प्रमोट करा, ये कर सकते हो आप लोग। सही सही। अच्छा अगर हम सिर्फ ये जो है कॉन्टेंट्स पे जाते हैं, एसईओ पे जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें जो है कितना टाइम लग जाएगा कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम उससे कुछ अर्न करने लगे सिर्फ एसईओ करके, कि कंटेंट राइट करके? ये वेरी करता है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब आप लोग को मेरे एसईओ के सेक्शन में सही से पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आप लोग को मैंने बताया था शुरू में ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स लग सकते हैं आप लोग को रैंक करके आगे प्रोसीड करने में प्रॉपर तरीके से। आपके सवाल बहुत हो गए, प्लीज बाकी लोग जो है ना शिकायत करेंगे। एक लास्ट में मैं ये पूछ रहा था कि ये कंटेंट हम इसका जो है ये कहां से लाएंगे, जो कंटेंट राइटर तो हमने जो हायर कर लिया, क्या हम उसको बताएंगे कि आपने ये लिखना है या वो खुद ही से जो है वो करेंगे? देखिए मैं अभी मेरी इतनी सेशंस बाकी हैं और जो अभी आपने सवाल करा है ना ये मेरे अगले से अगले सेशन के ऊपर आता है, अगला सेशन या अगले से अगला, उसमें सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी एक एक बात क्लियर हो जाएगी, जो पूरा स्ट्रक्चर है सारा ब्लूप्रिंट पूरा इनसाइड आउट सब पता चल जाएगा, कि आप ये समझ रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन से किस टॉपिक के ऊपर लिखना है, वो सब बातें करूंगा मैं, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। शकील जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है। Shopify के बाद ये सेकंड सेशन था मेरा आपके साथ, तो माशाल्लाह मजा आया। मैं बेसिकली ये 10 बीट्स लुकमान खान, ये हमारा सीनियर था यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसको फॉलो करके ही मैं इस फील्ड में अभी दोबारा रिसेंटली आया हूँ। मैं बेसिक तो एडसेंस वगैरह ही कर रहा था और देन एफबीए में आया हूँ, तो 10 बीट्स को देख के मुझे बेसिक वो क्वेश्चन इससे पहले जो भाई ने किया था कि कंटेंट राइटर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, यानी हायर कर चुका हूँ, काम भी कर रहा हूँ एक साइट पे, तो बेसिक मुझे खुद का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कंटेंट पे, तो मुझे जस्ट वो ब्लूप्रिंट चाहिए था कि जिस तरह ये 10 बीट्स को फॉलो करें तो इसका कंटेंट बड़ा मजेदार होता है, बड़ा क्रिस्पी होता है, अट्रैक्टिव होता है, कि एक एक चीज लिंक्ड होती है, तो exactly. वो एक छोटी सी अगर आप वीडियो बना दें या आगे अगर फ्यूचर में जो सेशन है उसमें ये क्लियर कर दें कि कंटेंट राइटर्स को कैसे ट्रेन करना है इसके मुतालिक, क्योंकि कंटेंट राइटर्स हमारे वेरी लो पेड है, 0.6 है, 0.7 पर रुपीज पर वर्ड दे रहे हैं, तो उनको किस तरह ट्रेन करें कि अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें, जस्ट ये मुझे चाहिए थी आपसे हेल्प के इन फ्यूचर या मैं पर्सनली आपको मैसेज करूं कि एक छोटे से हम वीडियो बना दें कि इस तरह उनको ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम सही कह रहे हो, मैं बेसिकली अगर मैंने ये पूरा अच्छा जैसे मैं ये शकील के सवाल का जवाब भी और मैं आप सबको भी बता रहा हूं, हर बिजनेस मॉडल में ना एक खास एरिया होता है कि अगर आप उसको पिन पॉइंट मारते हो ना
तो ही आप अर्न करना स्टार्ट करते हो। Shopify में विनिंग प्रोडक्ट है, Amazon पे सनी भाई ने खुद बताया था, एक मैं सेशन देख रहा था इसमें बोला था कि भाई विनिंग आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट अच्छा मिल गया बाकी सारे काम हो जाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट मिल गया सब हो जाएगा, इसमें ये अच्छी SEO हो गई सब हो जाएगा, अगर आप लोगों को सही SEO का ब्लूप्रिंट मिल गया सब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा कंटेंट वगैरह कैसे लिखना है क्या नहीं करना सब कुछ हो जाएगा। असल चीज है SEO स्पॉट ऑन करवाना, भले आप करो या किसी और से करवाओ। SEO मतलब कंटेंट, बेसिकली दो चीज है, कंटेंट एंड SEO, बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, ये इसका विनिंग फॉर्मूला है। अगर आपको ये पता चल जाए यू आर गुड टू गो। यही मैं आप लोग को, अब आप खुद इमेजिन करो जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये एरियाज मेरे कितने डिटेल्ड होंगे, सबसे ज्यादा डिटेल्ड तो यही होंगे मेरे। ठीक सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया। जी आसिम जी, हेलो जी, हेलो जी मोहिज़ भाई, सेशन बड़ा जबरदस्त था, लेकिन बस एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जितनी भी SEO या रैंकिंग या फोकस जो चीज थी वो गूगल के हवाले से थी, सोशल मीडिया का इसमें कितना लाइक इन्फ्लुएंस है एफिलिएट मार्केटिंग में? यार मैं मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा ओके, अच्छा नहीं नहीं आप बोले, आप बोले, अच्छा ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि एफिलिएट मार्केटिंग अभी तक मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि लोग करते हैं लेकिन उसमें इतनी डिस्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है, कोई कहता है ये करे या ये करे या ये करे, तो अभी बस अभी आपने बताया कि मेरे और सेशंस आने वाले हैं, क्योंकि हम ना एक प्रॉपरली एक चैनल के आपके साथ चले, तो क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूं और मैं लाइक डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं कर पाया, तो अच्छा। बस इसमें आप कुछ एडवाइस कर ले कि करना क्या है, like how to execute it properly, बस ये दो क्वेश्चन। अच्छा दो क्वेश्चंस हैं आपके, बेसिकली एक है सोशल मीडिया से रिलेटेड और दूसरा है आपका डिस्ट्रैक्शन या एक एग्जैक्ट लाइन क्या है। देखिए एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिला। हां एग्जैक्टली, देखिए जाहिर सी बात है हम यहां पे आज तकरीबन 200 स्टूडेंट्स के करीब थे, तो मैंने आज तो बिल्कुल बेसिक से लेके चला, कुछ लोगों को एफिलिएट का पहले से, तो जाहिर सी बात है यहां पे सब लोग ये समझते हैं, कुछ लोगों का किसी भी बिजनेस मॉडल पे जब हम बात करने जा रहे होते हैं, किसी के पास 80% नॉलेज होती है, किसी के पास 50% होती है, किसी के पास 30% होती है, किसी के पास 10% होती है, और किसी के पास कुछ भी नहीं होती। तो मुझे बिल्कुल ना बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलना पड़ता है, बिकॉज मुझे ईसी से इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं। तो मेरा जो अब जो अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर है, मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकल है लेकिन अल्टीमेट तो एप्लीकेशन ही है, सही है, और सेम गोज फॉर Shopify। तो मैं बेसिकली आपको जो एक लाइन दे रहा हूँ वो इसी चीज के ऊपर होगी कि आपका पूरा कंटेंट आपको किन चीजों को कंसिडरेशन में लेना है when you going to write your first few articles, कौन से आर्टिकल्स आपको लिखने चाहिए, कौन से नहीं लिखने चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, LSI क्या होता है, LSI अभी आप लोग को नहीं पता चलेगा, मैं बोलूंगा LSI ये क्या, ये तो चाइनीज बोल रहे हैं अब। जी जी हाँ हेलो जी, एक सेकंड रुकिएगा, सही है अच्छा। सही है, स्टैंड फॉर लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, सही है, ये क्या होता है। अब बेसिकली आई एम नॉट जंपिंग इनटू ऑल ऑफ दोस थिंग्स राइट नाउ, वंस आई विल तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, बल्कि इनफैक्ट मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग के एक से दो महीने की कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या तीन महीने की, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना तीन महीने में अप्रोक्सीमेटली आप लोग को रैंक करना चाहिए, तीन महीने में आप लोग की कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग डेविएट नहीं होगे अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव से, आपको पता होगा कि ओके मुझे मंथ ऑन मंथ या डे ऑन डे इतने आर्टिकल्स लिखवाने हैं, इतने आर्टिकल्स मेरे जाने चाहिए, एंड दिस इज हाउ आई शुड गेट रैंक्ड, सही सही। तो आई विल बी गोइंग थ्रू ऑल दैट इन डिटेल। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का ये है कि देखें इवेंचुअली जब आप आर्टिकल्स लिख रहे होगे, आई वुड वांट यू ऑल ऑफ यू गाइस टू बेसिकली ब्रिंग इन ट्रैफिक फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल। सोशल मीडिया के बगैर तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा फोकस कंटेंट सोशल मीडिया पे नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, बहुत इजी कंटेंट है जो आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो
सोशल मीडिया पे आप ज्यादा क्या कर रहे होगे? अगर जैसे मैं करता था, हम लोग रेलेवेंट ग्रुप्स पे जाके जो है ना कंटेंट पोस्ट करते थे, लेकिन अब बेसिकली फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आप दिन में 2-3 से 4 से ज्यादा ग्रुप्स पे जाके पोस्टिंग करते हो तो वो आपको साइलेंट बैन कर देता है, जिसपे आप फिर बात नहीं कर सकते, चैटिंग नहीं कर सकते, पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स डाउन टू सोशल मीडिया। कुछ थोड़ी बहुत आप शायद अपने आर्टिकल की पेड मार्केटिंग कर सकते हो, $5 की, $10 की, या सो, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पेयर सोशल मीडिया का भी पुश होना चाहिए, उस पर मैं आऊंगा ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। लेकिन ऑल इन ऑल मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने पे मैं ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ, जो कि आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्विक सजेशन है कि अगर हम हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन होगा आपकी नेक्स्ट सेशन से पहले, उसको हम आपके साथ शेयर करें किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या आपसे पूछे ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हैंड्स ऑन हैंड्स आपके साथ हम चलते जाएंगे। लाइक आप नेक्स्ट सेशन के पहले जो एक्सपेक्टेशंस है प्रैक्टिकल वाइज, अगर हम उसको शुरू करें और उसमें कोई इश्यूज आते हैं, तो बजाय इसके कि लाइक चीजें मिक्स अप हो, उसका कोई है, कोई पॉसिबिलिटी है? स्पेशली चैट, आई एम ऑलवेज 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 अवेलेबल फॉर चैट, और हम लोग एक ग्रुप में तो मैं हूं, बल्कि मैं इसी के, आई जस्ट कंफर्म एक आखिरी बार के एग्जैक्टली क्या इसका वो पूरा फॉलो होता है, हम आपसे प्रोग्रेस शेयर करें, प्रॉब्लम्स शेयर करें। नहीं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने प्रोग्रेस शेयर करो, बिकॉज इट वुड जस्ट बी इररिलेवेंट कि अगर आप लोग प्रोग्रेस ना शेयर कर पाओ, मैं सिर्फ बातें करता रहूं। तो मैं एक काम करता हूं, आई विल कोऑर्डिनेट विद हमीर एंड आई विल आस्क हिम कि मतलब मैं आप लोग के साथ किसी एक खास ग्रुप में आ जाऊं, क्योंकि वो शॉपिफाई का जो भी था उसमें भी स्टार्ट तो किया। वैसे एक बात और आप लोग मुझे टैग करो ना, मैं ECBC के ग्रुप में जो हूँ ना पहले से एडेड हूँ आप लोग के, तो आप लोग वहां पे भी कर सकते हो। बल्कि मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस ये मिली हैं कि सब लोग अपनी प्रोग्रेस और इवन फीडबैक्स जो है ना वो शेयर करें इन द ECBC ग्रुप। इन ग्रुप में तो ठीक है, लेकिन वो ज्यादा पर्सनलाइज नहीं होता वो। मैं बात करता हूँ एक्चुअली मुझे, मैं खुद यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे पूछना है कि चैनल क्या है एग्जैक्टली सही, तो मैं ये बात करके आप लोगों को, क्योंकि मुझे अभी आपके दूसरे सेशन के बाद मुझे लग रहा है कि अब हम सीख तो रहे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन अब 10% भी नहीं है, और अगर है भी तो वो किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टक हो जाती है, तो फिर वो चीजें दूसरी ट्रेनिंग या दूसरी जो हमारी नॉलेज है उसी की तरह ना लाइक फीलिंग के हम कुछ, इंशाल्लाह वी विल ट्राई, लेकिन कुछ टेंजिबल चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बस एक प्रैक्टिकल कंसर्न है, अगर आप इसको देख ले, क्योंकि अगर काफी टाइम देना पड़ता है और चीजें काफी सीरियस है, स्पेशली आपका नॉलेज जो है माशाल्लाह बहुत अपडेटेड है, तो उसको ना हम प्रॉपरली और इसको यूटिलाइज करके ना कुछ एंड प्रोडक्ट मिल जाए। मैं आपका कंसर्न समझ गया, बेसिकली आपका कंसर्न यही है और मेरा भी कंसर्न यही है कि हम लोग किसी एक ग्रुप पे आपस में कोऑर्डिनेट करके बात कर सकते हो। एग्जैक्टली, बस यही है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं जो ना इसका कुछ करता हूँ, बल्कि ये आपके बात करते करते मैंने पॉइंट लिख लिए। सही है, ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके जी, शिराज। अच्छा, मैंने ये बताना था कि ऑलरेडी मेरे पास वेबसाइट है, रनिंग है, उसका पेज भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, यानी सारे लवाजमात उसके पूरे हैं, वर्डप्रेस ये ट्रैफिक भी है उसके ऊपर, लेकिन मेरी जो नीश है ना वो बल्कि प्रोडक्ट है, और दूसरा उसका जो डोमेन नेम है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो नेम के ऊपर है, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? उससे यूटिलाइजेशन हो सकती है, उससे कोई फायदा होगा? आप एक बात बताएं, आप 1-1 के स्टूडेंट हैं या BC के स्टूडेंट हैं? सिर्फ BC। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो चैट पे आप मुझसे मज़ीद कोऑर्डिनेशन रखिए, उसके अलावा ये कि आप जो है ना, मैं असल में आपका लिंक देखना होगा मुझे, ठीक है, फिर मुझे जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर देखना होगा साइट का, आप किस तरह के आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा मुझे। सुकून से स्पेसिफिक है मेरी प्रोडक्ट, यानी फर्नीचर रिलेटेड है तो स्पेसिफिक है वो ऑलरेडी। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन असल में मैं देखूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का अंदाजा लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर डाइवर्स, आपने बोला कि मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी प्रोडक्ट होने में कोई मसला नहीं है, मल्टी अगर फर्नीचर से रिलेटेड है, मेन बात ये है, ठीक है,
तो आपने अपनी निश तो सेलेक्ट कर ली, तो चले इतना तो चलता है. डोमेन का मुझे आपको दिखाना होगा, डोमेन का क्या आप कुछ बोल रहे हैं, शायद इशू है क्या है, मुझे देखना पड़ेगा. डोमेन यानी मेरे पर्सनल नेम के ऊपर ही है, दैट इज द इशू, लेकिन वो रैंक है गूगल के ऊपर. वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा मैं देखिए, अगर रैंक्ड है रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, तो लेकिन वो सिर्फ यूई बेस्ड है. अच्छा, लोकल बिजनेस है ना यूई का. अच्छा, तो नाम का वैसे मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये तो नहीं, मैंने जैसे बीच में अभी बोला था कि मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अगर हम कैट्स की बात कर रहे हो और डॉग्स की चीज एक्सेसरीज बेच रहे हो तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आ जाता है बीच में. एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप जो है बेसिकली कोशिश ये करें कि आप डोमेन, यार वैसे पता है डोमेन का अगर वैल्यू बन जाए ना तो मैं हम हर किसी को ये बोलता हूँ कि मत हिलो फिर. तो अगर आप चाहे तो कुछ अर्से, आप 3 महीने, आप एक काम कर ले, आप 3 महीने एफर्ट मारे और चेक कर ले आप. लेकिन वैसे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इश्यू होगा, मतलब क्योंकि लोग जो है ना, थोड़ा सा मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा. कैन यू गेट बैक टू मी ऑन दिस, ताकि मैं बैठ के सोचू इस बारे में. मैसेज करता हूं सारी प्लीज, क्योंकि ना मैं जरा बैठ के इस बारे में प्रॉपरली सोचना चाह रहा हूँ, और मैं हर किसी की प्रॉब्लम्स को अलग से डील करना चाह रहा हूँ. भले वो 300 स्टूडेंट्स हो, तो मुझे 300 के प्रॉब्लम्स को अलग से डील करना है. थैंक यू सो मच. मैं इंशाल्लाह आपको करता हूँ, आई अप्रिशिएट दैट. द सेशन इज रियली गुड, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, जी शोएब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अमेज़न का सेलर अकाउंट के लिए क्रेडेंशियल्स आप पाकिस्तान के यूज नहीं कर सकते, इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान के, जैसे यहीं का सारे आईडी नाम वगैरह सारे. मैं समझा नहीं, क्या अकाउंट क्रिएट करने के लिए? नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है. अमेजोन आप एफिलिएट मार्केटिंग पाकिस्तान से कर सकते हैं. अमेजोन का मेन इंटरेस्ट ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ढंग की हो, उस पर कॉन्टेंट ढंग का जा रहा हो. अमेजोन का मसला नहीं है आपको पैसे देने में कोई भी. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू. ओके, जी वसीम ताहिर. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है. मान सलाम, बिल्कुल सही. मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे कहा था कि आप अपनी जरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्लीज शेयर कर दें, ताकि जो जो भी कुछ तरह की चीज हो वो आपको डायरेक्टली. अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ. असल में मैंने जो है ना, शायद आपने शायद मुझसे लास्ट सेशन में बोला था, लेकिन मैंने जो ना ईसी से बात करी है और उन्होंने मुझे मना किया है डायरेक्ट करने को. ठीक है, मैं मुझे मसला नहीं है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर करने से मसला नहीं है. लेकिन मुझसे बोला लाइक फेसबुक पे आप वो कोई, मेरा क्वेश्चन पता भी बेसिकली ये इसका क्यों है, ये है कि अभी देखें हमने लास्ट सेशन किया शॉपिफाई पर, ठीक है, और अब हम उस पे कुछ काम करने के बाद अब हमारा अगला सेशन आ गया ही इस पे एफिलिएट मार्केटिंग पे, तो हम लेफ्ट राइट जंप कर रहे हैं. अब अगला सेशन फिर शॉपिफाई पे हो या एफिलिएट मार्केटिंग का हो, तो वो लाइन ऑफ एक्शन पूरी की पूरी आपकी ना जरा वो हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री, मुझे भी फील हो रहा है. हम ये बजाय इसके कि तीन हफ्तों में तीन चीजों का एक एक बेसिक बने, व्हाई नॉट कि हम इसको जरा फ्लो में उस तरह से करें कि चीजें इंप्लीमेंट हो, कुछ रिजल्ट निकल के आए, सारा कुछ है, वो चीज मेरा ख्याल अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी. बिल्कुल, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप मेरी माने, मैं भी आपका ये आगे फीडबैक दे देता हूँ, अगर आप हो सके तो आप भी एक फीडबैक आगे दे दें. हाँ ठीक है, वो हम दे देते हैं, क्योंकि अभी देखें ना, आप बता, अभी हमारे पास नेक्स्ट सेशन तक के लिए क्या करना है, हमें डोमेन चाहिए, हमें एक पेज खड़ा करना है, जो भी करना है, वो चीज अब वन बाय वन लोग कह रहे हैं कि क्या करना है हमें नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट सेशन तक, वीकली सेशन तक, तो वो कोई है नहीं उसमें हमारे पास राइटिंग में, कि अब हमें पहले से सेशन के बाद हमारे पास जो भी आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए और सेकंड सेशन तक हमने इसको किस तरह से करना है, तभी तो हमारे क्वेश्चन होंगे सेकंड सेशन में, अदरवाइज तो हम जैसे आज बैठे हैं ऐसे ही हम सेकंड सेशन में भी बैठे होंगे. तो वो भी हमारे लिए नया ही होगा ना. बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा अगर फ्लो में उसी चीज को लिया जाए, जो अगर हम शॉपिफाई कर रहे हैं तो हम शॉपिफाई को एक लेक्चर ले लिया हमने उसका, अब दूसरा वही वाला चले, तीसरा चले, चौथा चले,
आपको बोला, देखें असल में मैं आपको बताता हूँ ना, आप शायद आप दो सेकंड के लिए अगर आप मेरी जगह हो तो आप मेरी भी सूरत हाल समझ जाएंगे। मैं असल में नया हूँ यहाँ पे, मैं जैसे आप नए हैं मैं भी नया हूँ, सही है। मैंने इससे पहले दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हुए आया हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान एंड इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज। अब जब बंदा थोड़ा नया होता है ना तो उसको चैनल्स इतने नहीं पता होते, तो वो खुद समझ रहा होता है। अब समझ रहे हैं, तो मैं तो चला जाऊंगा, मैं डायरेक्ट अपने जो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट उसको बोलूंगा कि भाई ये मसला आ रहा है स्टूडेंट्स को, तब इसको आप देख लो कैसे करना है और आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैं डायरेक्टली कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तभी मैंने आपसे बोला कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, और आप सबसे जिस जिसको इशू आ रहा है कि आप लोग एक फीडबैक शेयर कर दें। सही, ये मुझे बता दें कि ये वाला जो अभी हमारे प्रीरिक्विजिट्स हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में जो भी काम करने जाएंगे उससे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल है, जैसे आपने बताया कि डोमेन लेने और ये, वो अगर आप प्लीज शेयर कर देना चैट में, बेशक शेयर कर दें कि अगले सेशन किसी ने करा था एक्चुअली चैट में, किसी ने चैट में ऊपर शेयर किया था, लेकिन मैं कर देता हूँ, उससे हमारी एक स्ट्रीम भी सेट हो जाएगी, अर्निंग स्ट्रीम। मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू। Get yourself a domain. ये please paste करा हुआ है HP ने, और ये अली रिजवान ने भी करा, ये आप लोग लिख लो अपने पास। एक मिनट रुकिएगा। ओ जी, ख्याल मोहम्मद जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। मैं बस, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया शुरू में कि टॉपिक्स जो हैं ये सारे आगे आने हैं ना, तो इसलिए जंप नहीं करना चाहिए कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। बस मेरा सिर्फ जी एक क्वेश्चन है जिसको मैं अपनी तरफ से कुछ समझाऊं तो मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। आपने ये जो मैं 1-1 का स्टूडेंट हूं बेसिकली, और मैं प्रोडक्ट लॉन्च इंशाल्लाह करूंगा विद इन अ फ्यू मंथ, तो मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप कह रहे थे ना कि इससे भी हम वो अपने वो रैंकिंग कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर फर्ज करें हम अपने उसके VPN से ना करें, और फर्ज करें हमारे जो यहाँ पे दोस्त सारे अब काम करेंगे और ये सारे लोग अपने वो बनाएंगे, तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं इन फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, जैसे ये सारे अपने जो अमेज़ॉन पे ये सारे एसोसिएट्स होंगे, तो अपने ग्रुप्स में लोगों को कह के कि प्लीज ये हमारी प्रोडक्ट है और इसके रिव्यूज वगैरह को आप कर सकते हो। लेकिन मैं असल में ना बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पता है मैं ज्यादा इन चीजों पे इसलिए नहीं वो कर रहा एम्फेसिस, वजह ये है कि इसमें ना अभी आप लोग अभी नए आए हो ना, अगर आप लोगों ने कोई गलत कदम ले लिया तो आप लोग की लिस्टिंग भी बैन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मकसद क्या है, लेट्स सपोज अभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई बंदा हो जो एक्साइटेड हो गया हो कि अरे यार मैं तो अपने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी दिलवा सकता हूँ। चलो उसने कुछ जो है ना बड़े प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए और अपनी साइट बना दी और अपने प्रोडक्ट की उसने टॉप, उसने कोई एक कीवर्ड करा टॉप 10 दिस, सही है, और टॉप 10 दिस में उसने अपने आप को नंबर 2 पे रख दिया, जबकि उसकी कोई जगह ही नहीं बनती नंबर 2 में, मतलब नंबर 2 वो नहीं है, वो नंबर 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो नंबर 2 पे नहीं आ सकता, नहीं होना चाहिए, और अमेजोन का शक हो गया। वैसे तो मैं एक बात कह रहा हूँ, वैसे अमेजोन को इस चीज पे शक होना नहीं चाहिए बिकॉज उसने इनिशियल प्रीरिक्विजिट्स या ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए, सही है, तो ऐसा शक जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक सिर्फ एक एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, समझ आ गई सर, बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है, मतलब आपने आपका मतलब है कि सेफ गेम खेलना चाहिए, इस तरह नहीं करना। मैं ना असल में इसके ऊपर मैं एक सेशन रख लूंगा इंशाल्लाह सनी भाई से बात करके, सनी भाई से बात करूंगा, मैं एक प्रॉपर सेशन रख लूंगा जिसमें जो है मैं आप लोग को ये बात समझा दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है सर, फर्ज करें मेरे पास हमारा कोई फर्ज करें वो टीम बनाते हैं, उसमें कंटेंट राइटर है, ठीक है, तो हमें कोई स्पेसिफिक निश पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, या विनिंग प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, ठीक है,
और हम उसके मुताबिक जो है कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर. फॉर एग्जांपल एक निश में गेमिंग में हमें एक प्रोडक्ट हमने वो कर लिया, उस पर हम शुरू हो गए, उस पर हमने कंटेंट राइटिंग की ब्लॉग्स बनाए. फिर नेक्स्ट जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्नीचर में कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इन हो गई है और वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है. एट द सेम टाइम वी कैन डू वर्क ऑन दैट एज वेल, आई मीन कंटेंट राइटिंग वगैरह कर सकते हैं. जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सही, बस सही है. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके जी अबू बकर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी सर, ये मुझे तो इतना आइडिया नहीं था ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, लेकिन आपने काफी अच्छा समझाया तो काफी हद तक पता लग गया है. तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने स्टार्ट में बात की थी कि पेपर विजिटर की, आपका एक फेसबुक पे पेज था, तो आपने फिर जो वेबसाइट थी आगे उसको आपने रीच आउट कैसे किया? मैंने रीच आउट करा डायरेक्टली, जैसे आपका जो भी पैशन है, लेट्स सपोज कैट्स में, डॉग्स में, किसी भी चीज में टेक्स है भी यहाँ. मैंने उन्हीं साइट्स को रीच आउट करा. गेमिंग है ना, मैंने लिखा गेमिंग ब्लॉग्स या गेमिंग वेबसाइट या गेमिंग न्यूज जो भी आ रही थी मैं सबको ईमेल कर रहा था. तकरीबन 25-30 ईमेल्स निकाली मैंने एक ही दिन में, एक ही कंटेंट के साथ. आई एम बेसिकली आई हैव दिस प्लेटफॉर्म एंड आई वांट टू सेंड यू ट्रैफिक, रेलेवेंट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, हाईली कन्वर्टिंग एंड रेलेवेंट ट्रैफिक, एंड फॉर दैट आई वुड वांट यू टू एनालाइज माय वेबसाइट फर्स्ट. And let me know if it goes through your approval, and then please invite me to your affiliate platform so that I can start sending traffic. Bus, yehi sab kuch. Actually, na mere paas bhi hai platform. Mere paas 60,000 likes hain ek Facebook page pe. So wo sports se related hai. To main kaise? हाँ, लेकिन मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ. वो पाकिस्तानी है या बाहर के? बाहर के भी हैं और बाकी. अगर मेजॉरिटी पाकिस्तानी है तो फिर कोई फायदा नहीं है. आप ये होता है कंट्री टू कंट्री, जितना टीयर थ्री कंट्री होगा उतने कम पैसे मिलेंगे, जितना अच्छा कंट्री होगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, इस तरह का हिसाब किताब होता है. तो जी जवेरिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरे दो क्वेश्चन है. एक तो मेरा यह है कि जिस तरह हम लोग Helium-10 यूज करते हैं Amazon के कीवर्ड्स के लिए, तो कोई टूल मुझे बता देंगे आप ऐसी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि मैं अपने से रिलेटेड वो कीवर्ड्स यूज करूं ब्लॉग में? एक तरीका है, लेकिन मैं असल में वो अगली सेशन के लिए रख रहा हूं, बिकॉज़ मैं अगर अभी यहां पे बोलूं. और दूसरा ये है कि मैं जानती हूँ आप ना ब्लैक हैट ट्रिक्स वगैरह तो नहीं शेयर करते, मतलब अपने वेबसाइट पे तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप लास्ट सेशन में एटलीस्ट बता दें कि बाकी लोग किस तरह यूज करते हैं ब्लैक हैट. एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए हमारे कंपेटिटर्स क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं ताकि हम काउंटर उस तरह. ठीक है, मैं देखूंगा मैं क्या क्या शेयर कर सकता हूँ और आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद एवरीवन जो जो मैं कर सकता हूँ. Thank you. जी आर ए रा आर ए जो भी हैं आप. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत मजा आया. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हम गूगल एड्स को और अमेजोन के एड्स को दोनों को एक वक्त में साथ में चलाएं या कोई एक और थर्ड पार्टी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होता है हमें कि या हम चला सकते हैं? गूगल एड्स को और किसको चलाएं? आपने म्यूट क्यों कर दिया अपने आपको? मैं खुद कर दूंगा म्यूट. आप अनम्यूट कर दें अपने आपको. जी जी. गूगल एड्स, अमेजोन और कोई भी थर्ड पार्टी एड होता है जैसा फेसबुक के एड्स भी पे करते हैं हमें, इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स भी साथ डाले तो कोई प्रॉब्लम आता है हमें? लाइक मोबाइल डेवलपमेंट में अगर मैं करता हूँ तो मैं गूगल एड्स का भी डाल देता हूँ, यूनिटी के भी डाल देता हूँ और साथ में फेसबुक के भी डाल देता हूँ, मैंगो के भी डाल देता हूँ,
तो जो भी होता है जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी या जो ज्यादा पे कर रहा होता है उसके एड्स चल जाती, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप Amazon affiliate marketing से related सवाल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए मेरे एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं रिव्यूज सबके दे रहा हूँ, उसमें मैंने affiliate भी कर दिया कि कोई प्रोडक्ट है जो पर क्लिक के हिसाब से मुझे पे मिले अगर कोई प्रोडक्ट लेता। अच्छा एक सेकंड मैं समझ गया, आप ये बोल रहे हैं कि आपका Amazon जरूरी नहीं है, Amazon से आपने प्रोडक्ट उठाया, आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाया। अगर आपने एफिलिएट नेटवर्क से प्रोडक्ट उठाया और आपको लगता है कि आप फेसबुक या गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं तो फेसबुक और गूगल फौरन बैन कर देगा आपको। अच्छा बैन कर देगा, ठीक ठीक जी जी, मेरा ये क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। जी यूनुस। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुइज़ भाई। अस्सलाम मुझे, मेरा सवाल ये है कि जैसे मुझे, मैं भी गेमर हूँ तो मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पास दूसरा कंटेंट राइटर है उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए? तुम्हें डिसाइड ऐसे करना चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है कि उसकी स्पोर्ट्स की नॉलेज स्पोर्ट्स में ज्यादा है या तुम्हारी गेमिंग की नॉलेज गेमिंग में ज्यादा है? नहीं वैसे मैं सोच रहा हूँ एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका एक और मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं जब SEO में स्टार्ट करूंगा ना तो तुमने, उसने और तुमने मिलके दोनों में सर्च कर लिया कि SEO में कंपटीशन ज्यादा, SEO में स्पोर्ट्स में कंपटीशन ज्यादा है जिसमें वो स्पोर्ट्स, कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स होगी ना, या फिर तुम्हारी गेमिंग की निश में कंपटीशन ज्यादा है, कीवर्ड्स पे कंपटीशन ज्यादा किस पे है ज्यादा? अगर लेट्स सपोज एक कीवर्ड है आपका डोटा 2 और डोटा 2 पे 1000 लोग लिख चुके हैं तुम्हारे कीवर्ड के ऊपर, डोटा 2 लैग के ऊपर, और उसका है क्रिकेट के ऊपर कोई, और उस पे सिर्फ 100 लोग ही रैंक कर रहे हैं और 100 लोगों ने लिखा हुआ है रेलेवेंट स्टफ, तो फिर मैं बोलूंगा क्रिकेट की तरफ जाओ। एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हें। अच्छा मुइज़ भाई जैसे आप बोल रहे हैं सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो ट्रैफिक भी तो ज्यादा वहीं से आएगा जहां पे 2000 है। ऐसा है, लेकिन फिर अगर तुम अपने आप को रैंक ही नहीं कर पा रहे होगे और तुम्हें जो पहले पेज पे जो बेसिकली मैं आप तुम लोगों को क्या बताऊं, ये दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, पेज, इसमें पेज अथॉरिटी वाला और डोमेन अथॉरिटी वाला सिस्टम आ जाता है। लेट्स सपोज मैं डोटा 2 लैग लिखता हूं, सही है, ये ऑन हुआ, हाँ हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ना तुम लोग को एक ये नजर आना, अबे यार ये लॉग इन करना पड़ेगा, अभी छोड़ो, सही है, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। इसमें फिर ये आ जाता है कि कुछ SEO की टर्म्स होती है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, कितने बैक लिंक्स बने हुए हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के, समझ रहे हो, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, डोमेन कितना पुराना है, वेबसाइट का वो जो ब्लॉग लिखा हुआ है वो कितना पुराना है, इंफॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट लिखी हुई है, थिक इंफॉर्मेशन है, थिन इंफॉर्मेशन है, ये सारे वैलिडेशन पॉइंट्स होते हैं, और फिर ये सारी चीजों का एक जूस निकलता है, ओके यार मैंने जो है ना बेसिकली इसमें रैंक कर सकता हूँ, सही है, ठीक है। तो मैं समझ गया, हमने स्टील सीरीज को टारगेट करना है, स्टील सीरीज की जितनी प्रोडक्ट है उनको टारगेट किया है, क्या कंपैरिजन उनकी ब्रांड, एक ही ब्रांड की डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हो सकता है? यार ये असल में बहुत बड़े इसके आंसर्स हैं, मैं तो ये इन सब पे मुझे जाना है, लेकिन ना इससे मेरे दिमाग में जो आंसर्स आ रहे हैं ना तुम्हें देने के लिए, ये एक सेशन है पूरा, तो तुम ये खुद समझ जाओगे तब तुम मेरा जो है ना इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन लोगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट सेशन। मैं ठीक में समझ गया कि आप बेसिक पे हैं, बेसिक को जब हम समझेंगे तो हमें आगे का आंसर खुद ही मिल जाएगा। हाँ नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन जो है ना वो मेरा जरा तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू मुझे, थैंक यू सो मच। नो क्या नाम है आपका? इमरान भट्ट जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल सही। अच्छा सर मैंने एक्चुअली पहले सनी भाई से इधर मेरी मुलाकात हुई थी यूएस में, तो काम मैं ऑलरेडी कर रहा था लेकिन एक्चुअली वन टाइम फेलियर के बाद अब मैंने बीसी ज्वाइन की है, तो कह लें कि मुझे नॉलेज थोड़ा सा है भी या नहीं भी, लेकिन इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मेरे वेबसाइट में बनवा रहा हूँ पाकिस्तान से अभी ना, प्रोडक्ट कुछ मैंने बेसिकली बीसी ज्वाइन करने से पहले ही कुछ मैंने पाकिस्तान से बनवा ली है, तो उसमें चलें एक इधर मैं प्रोडक्ट हंटिंग में तो एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकती है जब स्टार्ट इसमें जो है बीसी में,
तो जो मेरी मैं वेबसाइट वगैरह बनवा रहा हूँ उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या उसमें कंटेंट वगैरह जो आप बता रहे हैं, मैंने असल में ना सारा आपका नहीं सुना ना, मैंने लेट ही आपको ज्वाइन किया, तो आप क्या थोड़ा सा मशवरा देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं यही फॉर कंटेंट और वेबसाइट जो बनवा रहा हूँ कंटेंट का देखें इशू ये है कि ये देखें मेरा नेक्स्ट स्लाइड जो थी वो क्या था रुके सॉरी और आगे ये है कि अगर थ्रू प्रॉपर मेरा जो बेसिकली एक मेरा असल में ना एक टॉपिक सिर्फ कंटेंट के ऊपर ही है तो है। वो मैं जब आऊंगा तो सिर्फ कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं सही तो अगर थोड़ा सा अगर आप वेट कर लें तो उस सेशन का वेट कर लें और इस सेशन को आप एक बार देख लें गो थ्रू तो मैं खासे काफी आपके क्वेश्चंस वैसे ही क्लियर हो जाएंगे ओके दैट्स गुड सो दिस वन आई कैन फाइंड इन बीसी वो वीडियोस हैं उसकी उसमें फाइंड कर सकता हूं बीसी वीडियोस मैं बना रहा हूं अभी मैं फिलहाल शॉपिफाई की बना रहा हूं फिर उसके बाद मैं Amazon की बनाऊंगा नहीं ओके सो बीसी वीडियोस में आपको मिल जाएगा सॉरी या मिलेगा यस जी जी ओके दैट्स गुड ऑलराइट दैट्स गुड चलें ठीक है दैट्स मोर देन एनफ तो क्योंकि मुझे अभी कोई इतना ज्यादा पता नहीं तो मैं क्वेश्चन कर नहीं सकता सो यू गाइस कैन गो अहेड आई विल फॉलो अप यू थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट थैंक यू नो प्रॉब्लम थैंक यू अप्रिशिएट इट जी तलाल मुझे तो एक तो कोर्स की आउटलाइन जो है वो शेयर कर दीजिएगा बाद में जब आपको मौका मिले हां वो तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया कि वो मैं कर दूंगा इसमें ही ऐड कर लूंगा मैं सेकेंड थोड़ा ये बता दें कि अभी इंटरनेट पर रिसर्च की थी कि पेवनियर भी लिंक हो जाता है अमेज़न एफिलिएट से तो अगर हमारे पास ऑप्शन इस वक्त पेपल अवेलेबल ना हो लेट्स से हमारे पास पेवनियर का ऑप्शन है क्योंकि किंडल के अंदर जब काम शुरू करते हैं तो किंडल में तो हम पेवनियर लिंक कर सकते हैं तो इसका रिसर्च करके बता दिएगा सेशन में नेक्स्ट के पेवनियर हम कर सकते हैं नहीं अच्छा और कोई सवाल नहीं नहीं बस यही दोस्त ओके एक मिनट रुकिएगा मैं एक्चुअली खैर हाँ सो जी आप बेसिकली मैं सॉरी असल में वो किसी की मैसेज आया हुआ था इम्पोर्टेंट मैं उसका रिप्लाई कर रहा था जी आप जो हैं बेसिकली कर सकते हैं पेयोनीर बट उसके अलावा आप चाहें तो जैसे बताए आप लोग को तरीके बताए जा रहे हैं हाउ टू इंटीग्रेट पेपैल एंड ऑल दी अदर्स वो मैं आप लोग को अगर आप चाहते चलो मैंने लिख लिया अपने पास यहाँ पेयोनीर का तरीका मैं लिख लूँगा ठीक है पेयोनीर सबके लिए ज्यादा कन्वीनिएंट है आई नो बिल्कुल आई एग्री मेरे लिए भी अवेलेबल है बिल्कुल ठीक है थैंक यू बस ये थी क्वेश्चन ओके थैंक यू जी वजाहत अमित तुम कैसे हैं आप ठीक हैं जी वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल सही मेरा थैंक यू एक क्वेश्चन है वो ये जैसे हमने लास्ट सेशन शॉपिफाई पे किया था उसमें आपने बताया था कि इसका डोमेन वगैरह लेके उसका जो बजट है वो 1500 से $2000 है मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये किचन इनकम में आ रहा है तो हमें कोई एक स्ट्रीम फॉलो करनी है एवेंचुअली किचन इनकम के लिए जो वो भी करनी है वो देखना है हमें तो ये जो इसका है एफिलिएट का इसका आपने बताया डोमेन लेना है इसका मुझे ये बताएं कि हमारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा होगा आपने कहा 3 महीने के बाद इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इन 3 महीनों में हमारा टाइम कितना इस्तेमाल हो रहा होगा इसको बिल्ड करने के लिए अगर आप खुद कर रहे हैं ओके आप बोले बोले बजट हमें 3 महीने में जाहिर है हम कुछ ना कुछ कुछ पेड स्पॉन्सर करने होंगे चीजें आर्टिकल्स लिखवाने होंगे और ये सारा कुछ उसका बजट भी हमें वो एक जहन में होगा कि वो जैसे भी आपने शुरू में बताया कि 20,000 मतलब 20,000 से 30,000 में हो जाए लेकिन वो इवेंचुअली वो तो सिर्फ हमारा वेबसाइट होस्टिंग और वो सारी चीजों में ही लग जाएगा लेकिन उसके बाद जो उसकी मंथली बेसिस पे नीड चाहिए होगी वो कितना होगा और फिर इसका जो एट द एंड हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल 3 महीने के बाद मेहनत पे हम जैसे अभी आपने शुरू में बताया कि $300 से $500 है तो फिर इससे बेहतर ऑप्शन शॉपिफाई नहीं है ये मेरे बिल्कुल है बिल्कुल है शॉपिफाई बिल्कुल इससे बेहतर ऑप्शन लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि देखिए मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है मैं बिल्कुल मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो जनरलाइज कर लेता हूँ लेकिन मैं अभी 2 सेकंड के लिए अपने बारे में बात कर लेता हूँ एक
मैं जिस तरह का शख्स हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह के कुछ काफी लोग होते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि यार मुझे आई डोंट वॉन्ट टू पुट ऑल माई एग्स इन टू सेम द बास्केट. सही है. तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सही है, मैं Shopify कर रहा हूँ और Shopify से मैं $300-$500 अर्न कर रहा हूँ. ठीक है, आपने एक चीजें सोच ली. एट द सेम टाइम आपने बोला कि मुझे ये वाला जो Amazon वाला काम है ये मैंने पूरा ऑटोमेट करना है. सही. मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर काम, मेरी टीम कर रही होगी. तो आपने जो है ना मतलब $300-$500 की टीम बनाई जिसमें टोटल आप ये इतने पैसे दे रहे हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सब आपको. ठीक है. और आपने उसका पूरा ऑटोमेट कर दिया. आपने बोल दिया बस आप महीने में 2 दिन बैठते हैं उस टीम के साथ, आप उनको कॉन्टेंट कैलेंडर देते हैं, कॉन्टेंट कैलेंडर में सारे कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं, सारे कीवर्ड टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं जो कॉन्टेंट लिखवाना है. सही है. और आप रोज सिर्फ आधा घंटा निकालते हैं और आप अपने उस कॉन्टेंट के थ्रू गो थ्रू करते हैं और देख लेते हैं कि वो उसके क्वालिटी जो है कैसी है, अनप्लेजराइज्ड है कि नहीं है, एंड दैट्स इट. अगर तो आप ऑटोमेट करवा रहे हैं तो फिर ये आपको ऑल इन अप्रोक्सीमेट ये बजट पढ़ना चाहिए मंथ और वो इसको ऑटोमेट करने का. अगर तो आप आउट एफिलिएट को जो ऑटोमेट करने की बात करें आप, उसके लिए हमें ये बजट कितना चाहिए होगा? मतलब मैं चाह रहा हूं कि मैं फोकस ना करूं इसके अंदर ना फंसूं क्योंकि मुझे अपना FBL लॉन्च करना है, लेकिन स्टार्ट इसके अंदर भी, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि बेसिकली जो कुछ इनकम स्ट्रीम है जो ऑटोमेट हो सकती है उनमें चांस लिया जाए कि ये कुछ बन सकती है. Exactly, मैं यही समझाना चाह रहा था कि Shopify बेहतर है, लेकिन Shopify ऑटोमेट नहीं हो सकता. एक हद तक हो सकता है, एक हद तक ऑटोमेट हो सकता है ना. अब उसमें बेसिकली रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है. असल में देखें हम किसी भी बिजनेस मॉडल में कूदते हैं, बिजनेस मॉडल्स कितने हैं, अनगिनत है. मैं तो बोलूंगा कि आए जा रहे हैं राइट. लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अपना रिस्क एपिटाइट. हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है हर बिजनेस मॉडल के साथ? हमारा रिस्क एपिटाइट Shopify के साथ मीडियम टू हाई के बीच में, मीडियम टू हाई के बीच में, क्योंकि उसमें मीडियम बोलूंगा मैं, $1,500 से $1,500 भी खर्च हो जाए तो होता है एट टाइम्स के नहीं पैसा बना, और एट टाइम्स $200 भी बने तो $200 भी लगाए, $300 भी लगाए तो पैसा बन गया. इसमें क्या है, इसमें श्योरिटी के चांसेस ज्यादा हैं. अच्छा, अब मैं अगर आप रिस्क एपेटाइट का एक अगर आप मेजरमेंट टूल रखें हाई मीडियम लो, तो लोएस्ट पे मैं रखूंगा फ्रीलांसिंग फाइवर और अपवर्क के थ्रू, और उससे थोड़ा ऊपर रखूंगा अमेजोन को, मीडियम पे रखूंगा Shopify को, सबसे ऊपर किसको जाएगा? अमेजोन FBAPL. ओके, है ना. तो मैं बेसिकली इसको इस तरह कैटेगराइज करूंगा. ओके अच्छा, ये अब मतलब इसी का ही है वो जो अभी आप कह रहे थे कि ऑटोमेट करने के लिए, मतलब एक तो टीम कितनी रिक्वायर्ड होगी और हमें वो कितना बजट जहन में रखना चाहिए कि यार ये 3-4 लोग होंगे और इसके 3-4 महीने के बाद हमें अर्निंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास कैपिटल इतना होना चाहिए कि हम ये 4-5 महीने सस्टेन कर सकें अपने एंड से, ताकि 5वें महीने में यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो जाए. ये बजट बैकग्राउंड मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास पे देता हूँ, लेकिन आप लोग मैं अब वैसे बोल रहा हूँ अगर ऑटोमेट करने की बात कर रहे हैं जी, तो मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली $300-$500 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स. और मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर 3rd मंथ खत्म होते ही एकदम आपके अकाउंट पे $500 रह जाएंगे. मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ग्लिम्स नजर आना शुरू हो जाएगा. नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बोल रहा हूँ. आप लोगों को ग्लिम्स नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ट्रैफिक आना शुरू हो गया, रैंक होना शुरू हो गया, हो सकता है कुछ सेल्स आना शुरू हो जाए, और आप लोग या तो फिर आप लोग अपने आप को एनलिस्ट करा सकते हो Amazon Associates में फॉर अप्रूवल. ओके, मतलब पहले हमें पेज डेवलप करना चाहिए, बाद में एफिलिएट से लिंक करना चाहिए. मेरे नजर में इसका सक्सेस क्राइटेरिया पैसा नहीं है. मेरी नजर में आपका सक्सेस क्राइटेरिया रैंकिंग. अगर आपके आर्टिकल्स रैंक होना शुरू हो गए तो सक्सेस विल इवेंचुअली कम. ओके, थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. जी मसूद मेहमान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मोइस भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन है आपका. थैंक यू. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं. मैं ऑलरेडी फ्रीलांस राइटिंग सर्विसेज दे रहा हूं फाइवर एंड अपवर्क पर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मेकिंग $2,000+ अ मंथ. जबरदस्त. तो एक्चुअली ऐसा है कि मुझे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है. डोमेन होस्टिंग मेरे पास रेडी है, नीश मैंने कैप्चर कर ली है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स की लिस्ट भी तैयार है मेरे पास, ऑन पेज एसईओ भी आती है मुझे. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त.
कीवर्ड्स, मुझे टूल्स का थोड़ा पूछना था कि मैं Ahrefs यूज कर रहा हूँ कीवर्ड हंटिंग के लिए और बाकी अच्छे तो कोई टूल ही नहीं है. मैं एक्चुअली अभी सबके सामने आउट इन दी ओपन इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते टूल्स के नाम और वो कंफ्यूज हो जाते फिर. तो एक्चुअली मैं वेट इसलिए कर रहा था, अपना ब्लॉग मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं पिलर पोस्ट के साथ स्टार्ट करूं या फिर जो छोटे छोटे 2000 वर्ड्स प्लस के आर्टिकल्स हैं उससे स्टार्ट करूं. सॉरी, तुमने बोला थिन कंटेंट के साथ स्टार्ट करो, थिक कंटेंट के साथ, ये बोल रहे हो ना? पिलर पोस्ट जो होता है ना वो 10,000 प्लस वर्ड्स का जो एक बड़ा सा आर्टिकल होता है, बाइंग गाइड वगैरह, तो मैं उससे स्टार्ट करूं या 1,000-2,000? देखो जो तुम्हारे मेन कीवर्ड्स जो है ना, असल में देखो जो तुम्हारे अच्छे कंपटीशन वाले कीवर्ड्स है कंपैरेटिवली, आई थिंक बोलता हूँ उनको पिलर पोस्ट के अराउंड जो है ना रखो, सही है. और बाकी जो तुम्हारे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं उनको तुम तकरीबन 1,000 वर्ड्स टू यूजली देखो. तुम्हें तुम्हारे जो मेन एसईओ बाइंग इंटेंट वाले आर्टिकल है तुम्हें अराउंड 1,000 प्लस वर्ड्स का लिखने होंगे या लिखवाने होंगे. अच्छा, एक और सवाल था मेरा, वो ये था कि अभी रिसेंटली मुझे एक क्लाइंट मिला है, उसके लिए मैंने कुछ 20 प्लस आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है. अब उसमें से 4-5 आर्टिकल्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज पर रैंक कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उसकी एनालिसिस चलाता हूँ ना वेबसाइट की Ahrefs पर, तो स्टैटिस्टिक्स मुझे मतलब दिखते ही नहीं है, जीरो स्टैटिस्टिक्स, नो बैकलिंक्स, नथिंग, कुछ भी नहीं, ट्रैफिक भी नहीं दिखता, लेकिन वो रैंक हो गया. कितना टाइम हो गया? तकरीबन एक हफ्ता हुआ है. हाँ, तो अभी नहीं देखेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी Ahrefs को रैंक शो अप करवाने में, कभी कभी लग जाता है, एट टाइम्स होता है ऐसा इनका. अच्छा, आप ऑफ पेज एसईओ का भी बताएंगे इन फ्यूचर? ऑफ पेज एसईओ पर तो मुझे बहुत बताने, बिल्कुल बताने. ठीक है, चलें. तो मतलब आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं या आपके सारे सेशंस ले लूं उसके बाद स्टार्ट करूं? आइडियली मैं बोलूंगा कि ले लो, क्योंकि माशाल्लाह तुम्हें इतना कुछ तो पता ही है तो तुम तो करवा ही लोगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन ना जाए कि बाद में तुम बोलो क्या यार ये मुझे पहले पता चल जाता, ये मैंने तो इम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है, साथ साथ करते रहो, मैं बोलूंगा. जी जी, ठीक है, जी. इफ्तिखार अली खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मुझे एक पूछना था कि पेपाल का कौन सा अकाउंट हमें लेना चाहिए, पर्सनल और बिजनेस? ये तो आपको जैन बताएंगे, ये मेरा एरिया नहीं असल में, अनफॉर्चुनेटली. और सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे गेम्स का या स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरह के मेरे जैसे और भी लोग होंगे, उन्हें किस नीच में जाना चाहिए? सॉरी, आपका किसका क्या? मैंने कहा गेमिंग में और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो नहीं है ना, तो हमें किस तरह की नीच में जाना चाहिए? वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा. अगर आपको नहीं है तो मैं आपको लिस्ट बहुत बड़ी दे दूंगा जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. ठीक है जी. उमेस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने अभी एक जब ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था तो इसमें स्टार्ट में आपने एक चीज कही थी कि अमेज़न जो है वो आपके जो आप मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं उनको वो कैच कर लेता है, या हमने उसको कैसे उनसे बच सकते हैं, तो वो तरीका कार आप नेक्स्ट सेशंस में बताएंगे या अभी आप आंसर कर देंगे? देखो असल में है क्या सीन कि अगर इसमें कोई बताने वाली चीज ऐसा सच है नहीं, लेकिन तुम चाहते हो तो मैं कुछ डिस्कस कर लूंगा. अमेज़न ये देखो हर बड़ी साइट को ना पता होता है कि उसके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ कहां से रहा है. यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं, एक वर्ड होता है यूटीएम पैरामीटर्स, सही है, तो उसके थ्रू पता चल जाता है. उसके अलावा एफिलिएट प्लेटफॉर्म बता देता है कि ये जो ट्रैफिक भेज रहा है कहाँ से भेज रहा है, और फिर वो इसलिए भी देख लेता है क्योंकि जब आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क पे जाते हो ना तो आपको अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है कि मैं कहाँ से आपको ट्रैफिक भेज रहा हूँ. अगर आप कहीं और से ट्रैफिक भेजना शुरू कर दो ना तो फिर वो एफिलिएट वाला बंदा आपसे को रोक देता है एट टाइम्स, बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहीं और से भी भेज रहे थे या भेजोगे. तो आपको ना अपने एफिलिएट नेटवर्क को क्लियरली बताना होता है कि देखो मैं यहां से ट्रैफिक भेज रहा हूँ. ठीक, चाहे सही. ओके, तो
तो दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चनिंग क्रिएशन की तरह आपका नंबर अगर शेयर हो जाएगा या मतलब हम आपसे डायरेक्टली मैं बात कर लेता हूं, मैं हमीर से बात कर लेता हूं कि क्या हो सकता है इसके बारे में। लास्ट सेशन में भी आपने कहा था कि आप इस पे पूछ लेंगे उनसे कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा नंबर देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद रूल्स पता होंगे, 1-1 और इलीट से मेरी डायरेक्ट कॉल भी हो सकती है, शायद मैं मिल भी सकता हूँ जो बीसी हैं उनसे, मेरी चैट पे बात हो सकती है। अब चैट पे भी क्या रूल है, क्या मैं अपना नंबर शेयर करूँ फेसबुक का चैट या मतलब आप उनसे पूछ लीजिएगा। इट्स अ सजेशन कि अगर Shopify से रिलेटेड एक ग्रुप बन जाए, जैसे बाकी बीसी स्टूडेंट 2020 का ग्रुप बना हुआ है, उसमें सनी अली साहब भी मौजूद है और बाकी एडमिन्स भी मौजूद है, तो वो भी अगर पार्टिसिपेट कर लें और एक Shopify से रिलेटेड एक ग्रुप बन जाए कि इधर Shopify की बात हो रही है और उधर आप उसको, जैसे काफी लोगों ने कहा कि हम उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं तो थोड़ा इजी हो जाएगा चीजों को हैंडल करना। और तीसरी सजेशन ये है कि अगर जैसे वो एक वसीम साहब उन्होंने सजेशन दी थी तो मैं सेकेंड करूँगा कि अगर हम टॉपिक्स को जैसे एक सीक्वेंस में लेके चलें कि यार हम इस महीने जो है वो Shopify ही पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट मंथ हम FBA पढ़ेंगे, तो क्योंकि हम देखते हैं सेशन इस तरह से होते हैं कि एक दिन FBA का सेशन हो रहा है, एक दिन प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन हो रहा है, तीसरे दिन मैं एक्चुअली आपकी जगह होता ना, मैं आप अगर आपकी जगह होता तो मैं आप सही कह रहे हो, मैं भी कंफ्यूज होता, मैं अपने मैं अग्री कर रहा हूँ इस बात से। मैंने असल में वोट नहीं करा कि मैं ये स्ट्रक्चर रखूं, ये इसकी टीम अलग है और मैं सजेशंस दे सकता हूं, मैं उस टीम को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो बोलूंगा मैं कोशिश करें आप लोग भी बोलो। चलिए ठीक है, मैं किसी तरह मतलब चलिए ठीक ओके ओके, वैसे भी रिकॉर्डेड सेशन है, ये वीडियो तो जाएगी उनके पास, जी 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 खुद भी सुन लेंगे इस वीडियो में क्या क्या होगा। जी थैंक यू, इट्स गोइंग गुड, समझ आ रही है Shopify, क्योंकि बेसिकली मैं आईटी से रिलेटेड मेरा ये जो है ऑनलाइन और ये वो ये दिस इज नॉट माय फील्ड, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो अब कुछ चीजें जो है वो एज अ लेमैन बिल्कुल बेसिक से जैसे आप लेके चल रहे हैं तो समझ आनी शुरू हो रही है कि हाँ यार वेबसाइट पे जो बिजनेस है और जो ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसमें स्कोप क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक्स क्या है, तो इट्स गोइंग गुड, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर यू आर डिलीवरिंग टू अस। ठीक है ठीक है, थैंक यू, आई एम डन थैंक यू। जी वसीम जी महेश भाई, सॉरी मैं मेरे पास लाइट नहीं, इट्स ओके। अच्छा ये आपने जो मेरे साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं इनको मैंने देखा है, तो ये तीन तो मतलब सीधे सीधे हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये चौथा है कंटेंट राइटर और कीवर्ड रैंक और आर्टिकल्स, मुझे ये बताएं कि ये मुझे काम बेसिकली करना है आउटसोर्स, ठीक है, मैं फाइवर पे करता हूँ या मैं किसी भी तरह से करता हूँ, तो मैं इसको अगर आउटसोर्स करता हूँ तो उसके लिए जो है वो मुझे कंटेंट राइटर को तकरीबन कितना पे करना पड़ेगा और दूसरे को कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अल्टीमेटली तो आपको आउटसोर्स ही करना है, अगर आप अभी ये लास्ट में जा रहे हैं, अभी ये पीएल में जा रहे हैं या किसी में जा रहे हैं ना, तो ये अल्टीमेटली आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। जी जी, तो ये अगर आउटसोर्स होना है तो डे वन से मुझे आपके साथ चल के इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, ताकि मैं इसको ना आपके नेक्स्ट सेशन तक ये चीजें रेडी रखूं और जो आपकी नेक्स्ट सेशन में इंस्ट्रक्शंस हुआ उनको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दूं, तो दो तीन लोग जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो भी शेयर कर दें कि ये बंदा आपको चाहिए और उनको कितना पे करें, तो वो ना उनकी हक तलफी हो ना आपके ऊपर वो जो है ना आप लुट जाएं कि मतलब मुझे अगर इस काम का पता नहीं है तो मैं $4 के काम के $100 देना शुरू कर दूं। आप फिक्र नहीं करें, मैं आप लोग को एक ब्रेकडाउन दूंगा नेक्स्ट सेशन में कि जिन जो लोग ऑटोमेट करना चाह रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। चलें बाकी चला, इसी में मैं इसकी एक पोस्ट डालने की कोशिश करता हूं और लोग मेरा ख्याल है कि इसके कोई आ जाइए कि सब लोग, आपको मैं किस नाम से टैग कर लूं? मुइज खान। चले ठीक हो गया महेश भाई, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं असल में क्या क्या अप्रूवल्स मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूंगा कि स्टूडेंट्स का क्या कंसर्न है।
क्योंकि जो FBA PL है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, लाइक उसमें पहला सेशन हुआ अकाउंट क्रिएशन, दूसरा हो गया प्रोडक्ट हंटिंग, डेफिनेटली प्रोडक्ट हंटिंग से निकलेंगे हम वो सोर्सिंग और फिर उसके बाद वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस भी नहीं है। और वैसे भी आज का जो स्केड्यूल हमें मिला हुआ था दैट वाज सैटरडे, और सैटरडे को क्वेश्चन आंसर का सेशन था VA का, ठीक है। ये एक सडन आज हमें आपसे पता चला है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग का सेशन होने जा रहा है, अगर हम अपना वो टेंटेटिव स्केड्यूल देखें तो उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का सेशन नहीं था, क्वेश्चन आंसर ऑफ VA वर्चुअल असिस्टेंट का सेशन था। ये बड़ा वो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है सर। अच्छा मुझे नहीं पता बिकॉज मेरे पास जो है ना संडे को तो this is not sudden, वो बोल रहे हैं बाकी सब ये बोले हैं scheduled था, नहीं sudden नहीं था, Saturday की बात कर रहा हूँ, Saturday को था कि question answer VA का आज था, फिर रात को एक न्यूज शेयर हुई कराची BC के स्टूडेंट से किसी शेयर किया कि जी कल को दो सेशन होंगे, ठीक है। तो ये दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्किप हुआ और ये आया और हमें इसका वो चीज का पता नहीं, ये इस लिहाज से बात की है। ठीक है ठीक है ओके चले मैं ये बात याद रख लेता हूँ फिर ये मैं बता दूंगा उनको, ठीक है। उप्स, उप्स, जी 10.or जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर ये मैंने पूछना था अगर आपकी जैसे मैंने एक साइट बनाई है ई-कॉमर्स को WooCommerce प्लगइन यूज किया आप बताओगे कि वर्डप्रेस के अंदर तो वो एक स्टोर डिजाइन कर दिया उसके बाद मैं कोई अपना ब्लॉग उसके ऊपर लिख सकता हूँ मतलब एक कैटेगरी बना लूँ ब्लॉग की जैसे आपने कहा कि डोमेन का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना आपके वो स्लैश ब्लॉग के आगे आपका मतलब जो आपने पोस्ट exactly, ऐसे ही है ऐसे ही है तो क्या उसमें मैं कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं आप जो है ना अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जो है ना डायरेक्ट ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं सही लेकिन फिर वो देखे एक बात जो है ना वो ये कि मैं ये मानता हूँ कि रिव्यू साइट्स को रिव्यू रहना चाहिए ई कॉमर्स को ई कॉमर्स रहना चाहिए वो खिचड़ी बन जाती है लाइक मेरी कैटेगरी है डेंटल की जो जो सर्जिकल की आइटम्स होती है ना छोटी छोटी ठीक है उसका एक ब्रांड नेम है उससे मैंने डोमेन सर्च की जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी उसके साथ मैंने एम्बेड कर दिया डेंटल ठीक है वो एक डोमेन नेम बन गई अब उस वो डोमेन के ऊपर तो वो इसका ई कॉमर्स सेटअप हो गया और जो ब्लॉग्स मैं लिखूं इसी कैटेगरी के ऊपर सारे मतलब लाइक रिव्यूज दे सकता हूं या वो चीजें जो आपने बताई जी जी बिल्कुल ऐसे ही आप ये कर सकते हो एक बार मुझसे शेयर कर देना अपना ताकि मैं बैठ के सुकून से देख लूं चलें ठीक है मैं आपका नाम क्या है साद अहमद साद अहमद चले ठीक है सही ओके जी वन मोर थिंग सर हेलो सर उबर सजेस्ट से मैं देखता हूँ जब भी मैं कंटेंट लिखता हूँ ना तो क्या आप उसके बारे में सजेस्ट करेंगे कि वो एक अच्छा टूल है जबरदस्त टूल है जी चले ठीक है बाकी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा पर्सनली ओके ओके थैंक यू सो मच सर नो प्रॉब्लम जी साकिब सलाम ताकि मेरे ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए मैं इसमें आपसे सजेशन लेना चाह रहा था कि मेरा छोटा भाई आपकी आवाज हल्की आ रही है साकिब जी मैं कह रहा था कि मेरा जो छोटा भाई है वो थीम फॉरेस्ट पर थीम डेवलप करके उसकी थीमेटिक वेब के नाम से उसकी एक प्लेटफॉर्म है पूरा तो वो किस तरह मेरे लिए यूजफुल हो सकता है कि मैं छोटा भाई को काम के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं नहीं आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है अच्छा एक मिनट मैं पीछे करता हूँ जी अब आ रही है अब बहुत बेहतर है नहीं साकिब नहीं हो रहा नहीं मुझे नहीं लग बाकियों को भी सही से नहीं आवाज आ रही होगी बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी आवाज चलो मैं ओके ओके जी मुदस्सर अस्सलाम वालेकुम सर मुझे ये पूछना था मैंने अपनी एक वेबसाइट बनवाई थी पहले
तकरीबन एक एक डेढ़ साल पहले ई कॉमर्स मतलब कुछ मेरी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थी कि मैं उसे वहाँ सेल आउट करूँगा, बट वो मैंने किया नहीं था तो, बट वो डोमेन होस्टिंग है अभी भी मेरे पास था, तो वो मैं उसे एज अ उसके लिए शॉपिफाई के लिए इसके लिए एफिलिएट के लिए अब यूज़ कर सकता हूँ उसे? कर सकते हैं, आई होप, बस वो डॉट पी के ना हो किसी, नहीं नहीं डॉट कॉम ही है वो, किसी ने मुझे बताया था कि नहीं आपने अगर उसके लिए ई कॉमर्स के लिए किया है तो बस आप सिर्फ वही काम उस पर कर सकते हैं? नहीं, आई मीन तुम बिल्कुल रीवैम्प कर दो साइट को, मतलब अगर तुम लोग वेब आर्काइव पे जाके फेसबुक को देखोगे, फेसबुक क्या था पहले, फेसबुक तो कोई एक सर्विस होती थी, जब फेसबुक नहीं था तब फेसबुक एक अलग ही चीज थी, तो वो तो हो जाता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये हो सकता ताकि फिर मैं वो उसे शॉपिफाई के लिए कर दूं और इसके लिए मैं अलग से डोमेन और होस्टिंग ले लूं एफिलिएट के लिए। आई गया, थैंक यू, थैंक यू सर। जी शब्बीर जी, सलाम अलैकुम मोहित भाई। अगर हमारा शॉपिफाई पे ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है ना, इट्स नॉट अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर, इट्स अ रीसेलर स्टोर, वहां पे हम ब्लॉगिंग शुरू करके और वहां से एफिलिएट लिंक्स ले सकते हैं उसी नीश के अंदर जिस नीश पे हमारा शॉपिफाई स्टोर चल रहा है? जी ले सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हम लोग ने बहुत सक्सेसफुली शॉपिफाई को एसईओ करके जो है ना हम लोग अच्छे खासे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेके आते थे। ओके, बिकॉज़ हमारे इस पे जो है ना एज इन लाइक रिकरिंग वो भी हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स भी हैं हमारे थोड़े बहुत। हां, तो मैं ही आपसे बोलूंगा, एक सजेशन है मेरा कि आप जो है ना बेसिकली शॉपिफाई के ऊपर भी कर सकते हो और आप अलग से एक डिफरेंट डोमेन के ऊपर स्टार्ट करके भी कर सकते हो। राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है, और उसी नीश के अंदर जिस नीश पे हमारा स्टोर है एट द मोमेंट उसी नीश के पर प्रोडक्ट्स उठा ले Amazon। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ठीक है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। जी काशिफ यूनस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए अगर हमें मल्टीपल निश्चित पे काम करना है उसके लिए मल्टीपल वेबसाइट चाहिए या एक वेबसाइट में मल्टीपल कैटेगरीज डाल सकते हैं? एक देखिए, आप निश एक सेलेक्ट करें, कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं। जी ठीक, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे क्या और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। दूसरा भी इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं, इसको मतलब ये ब्लॉगिंग मतलब बाहर से हट करके और एसईओ वगैरह करवा के इसको अभी से प्रैक्टिकली शुरू कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको अगर प्रैक्टिकली शुरू करना चाहें तो। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, साथ साथ करने जो हेल्प चाहिए वो आपसे मतलब पूछते जाएं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरा कोई मसला नहीं, मैं आप लोग बता रहा हूँ हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। जी साकिब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ऑटोमेटिक वेब के नाम से हमारे पास थीम्स अपनी है, वेबसाइट कंटेंट के लिए और सबकी टीम अपनी है, तो हम थीम्स बनाते हैं जेनरेटिव वर्डप्रेस पर, हमारा थीम फॉरेस्ट पर प्लेटफॉर्म भी है हमारा अपना, तो उसको Shopify को हम कैसे आपस में मर्ज कर सकते हैं इस दोनों चीजों को? ओके, सो आपकी वेबसाइट है आपने खरीदी है Automatic के नाम से? Automatic वेब्स के नाम से हम थीम फॉरेस्ट पर काम करते हैं, थीम्स बनाते हैं। ओके ओके ओके, सही है, फिर आगे। ठीक है, तो अब हमारे पास तो थीम ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उन सब थीम्स को होस्टिंग करके तो लॉन्च कर दें तो वो बेटर है कि सिर्फ हम एक ही को लॉन्च करें और एक ही पर काम करें? हमारे पास ऑलरेडी कोई 20-25 थीम्स ऑलरेडी हैं जो हमने खुद जनरेट की हुई है, डेवलप की हुई है। ओके, तो हम उन 25 पर एट अ टाइम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसमें कॉन्टेक्ट डालना है, हमने कॉन्टेक्ट डाल के हमने लॉन्च कर देना है। सही है, ठीक है, तो हम 25 और 26 को एट अ टाइम कर देंगे, उसमें सिर्फ एक को स्पेसिफिक को ले लें और उस पर हम काम करें और उसको एफिलिएटेड करें, क्योंकि एक चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी टॉप 20% थीम्स को उठाएं जो आप लोगों को लगता है कि जो ज्यादा सेल्स कर सकती हैं करेंगी, और उनको पहले प्रमोट करें। ठीक है, यानी जिसकी हमारी थीम्स की सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, यानी मंथली। हां हां, एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
थैंक यू बस ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट सेशन से है आगे चलूं तो माइंड स्कैन करेंगे शॉपिफाई से लेके जी करें मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि हमारा एक ब्रांड है जैपनीज ब्रांड हम उसको शॉपिफाई पर करना चाह रहे हैं तो वो उसकी आपने कहा था पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो अभी तक वो जैसे दूसरे लोग भी कह रहे हैं हमें क्लियर नहीं हो रहा कि हम कहां पर आपसे कांटेक्ट करें पर्सनली वो तो मैं बात कर लेता हूँ उसका पर्सनल कांटेक्ट वाला सीन मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि वो मुझे इन्फॉर्मेशन ही डिफरेंट मिली है ना अभी इसी की टीम से वो तो मैंने आप लिए काफी बार तीन चार बार रिपीट कर दिया लेकिन आपका वेपन्स का ब्रांड है इज दैट सो नहीं जापानीज ब्रांड है हमारे पास पाकिस्तान में उसके पास फ्रेंचाइज है हमारे पास चार से पांच सिटीज में तो हम उसको शॉपिफाई करना चाह रहे हैं वो अमेरिका में नहीं है आप लोग शॉपिफाई करना चाह रहे हैं हां जी उस ब्रांड को वो अमेरिका में नहीं है ठीक हाँ जी तो उसकी क्या कैटेगरी होगा उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे किस तरह करना होगा उसको लीगलाइज करके देखिए असल में मैंने ना I honestly don't know regarding जो चीज मुझे नहीं पता होती मैं उसमें बोल देता हूँ या मैं बोल देता हूँ कि I will get back to you on that information लेने के बाद ठीक है I don't know what type of documentation may be required for that कि अगर आप उसके साथ drop shipping करना चाह रहे हो because वो drop shipping नहीं रही वो तो आप अपना खुद का product properly यहाँ से ले जा रहे हो और बाहर दे रहे हो अमेरिका में हमारे पास मौजूद है हमारे पास order आएगा हम यहाँ उसको ship कर देंगे हमें अली एक्सप्रेस से वो अली बाबा से नहीं करना पड़ेगा तो मेरे पास मौजूद है बैग यहाँ से शिपिंग कर सकते हैं तो फिर ये तो कैटेगरी डिफरेंट हुई ना ये तो ड्रॉप शिपिंग ही नहीं हुई क्योंकि ड्रॉप शिपिंग तो ये होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो राइट जी जी तो प्रोडक्ट तो हम मैन्युफैक्चर होते नहीं है ना मैन्युफैक्चर तो ब्रांड जापानीज है अच्छा ठीक है तो आप फिर ये करें अच्छा थर्ड ओके थर्ड पार्टी वो है तो उसका फिर मैं उसका तरीका ये होता है कि यार आपने अपने सप्लायर के साथ इन कांटेक्ट रहना है आप एक बनाएंगे साइट क्लिक फनल्स के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर और जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना वो आप ओबेल्लू के थ्रू फुलफिल नहीं कर रहोगे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आप उसको एक शीट में मेंटेन करोगे और आप अपने सप्लायर को वीक के एंड में जो है ना दे दिया करोगे वीक के एंड में या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन अगर एक दिन में बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं तो एक ही दिन में आप सारे ऑर्डर्स पकड़ा दिया करोगे और फिर वो उसको फुलफिल कराने के लिए शिप कर दिया करेगा या जो भी पूरा तरीकेकार होता है उसका वो स्टेप्स शुरू कर देगा इसका बेस्ट तरीका यही है वैसे यहाँ से जो है ना फिर वो शिप हो जाएगा अब वो शिप के लिए आप आपको थोड़ा पता ये करना पड़ेगा कि आपको सबसे अच्छे फ्रेट रेट्स कहाँ से मिल रहे हैं और ये सारी चीजें क्योंकि ये वाला काम स्पेसिफिकली मैंने नहीं करा हुआ मैंने यूजली सप्लायर्स के थ्रू करा हुआ है और सप्लायर्स जो होते हैं ना उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि देखें वो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आपको इतनी शिपिंग पड़ेगी हमारे पास ये जो है फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं ये है तो वो तो सप्लायर को पता होना चाहिए मेरी इन्फॉर्मेशन में क्योंकि मैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ उसमें तो बेसिकली आप समझ गए होंगे अच्छा अब मुझे आप दें कि हम अपने इस पर फोकस करें कि हम नया शॉपिफाई जैसे जो आपने एडवाइस किया उस पर चले जाएं तो माली ये भी कौन सा होगा सॉरी यानी हम इसी जैसे आपको मैंने अपना वीडियो बताया कि हम इस पर फोकस करेंगे हम इसको ना करें और नया जो मेथड आप सिखा रहे हैं शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग का हम उसको फोकस करें तो दोनों में से माली इजी कौन सा हो नहीं आप ये कर सकते हो मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि अगर आप लोग को अच्छे रेट्स पे कहीं और से ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आप वहां से कर लो सही है बिल्कुल कर लो कोई इशू नहीं है लेकिन आप फिर कुछ चीजें अपनी पक्की कर लो आपके सप्लायर को पता हो कि वो कौन सा फ्रेट फॉरवर्ड यूज करेगा वो आपको जो है ना इकोनॉमिकल रेट्स दे रहा हो ठीक है आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जान है विनिंग प्रोडक्ट है बस सही है आप ओबेल्लू को छोड़ दो लेकिन फिर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स की वो एक शीट पे संभालनी पड़ेगी ठीक है थैंक यू चलें ओके नो प्रॉब्लम ओके गाइस देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और मैं आप लोग के जितने भी कंसर्न है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा मेरे ख्याल से मेरा नेक्स्ट सेशन कोई थर्सडे को है या कुछ ऐसी डेट को है शॉपिफाई का फिर उस दिन मिलते हैं ओके अल्लाह हाफिज़